तीन भागों में डिवाइड कर सकते हैं, एक तो आएगा आपका कोलाइडल सॉल्यूशन, दूसरा आएगा आपका क्या सरफेस केमिस्ट्री, और तीसरा सरफेस केमिस्ट्री के अंदर ही आप लोग पढ़ सकते हैं कैटलिस्ट वगैरह के बारे में एज वेल एज एंजाइम के बारे में। इस टाइप से क्या होंगे, तीन पोर्शन होंगे। तो यार सबसे पहले कौन सा पढ़ना बोलो, सरफेस पढ़ना है या कोलाइडल पढ़ना? बोलिए कोलाइडल पढ़ लेते सर। सरफेस सरफेस कोलाइडल थोड़ा इजी रहेगा, पहले ये पढ़ लेते बोलो, है ना। सरफेस वैसे छोटा पोर्शन है, वो भी कोई दिक्कत नहीं, समझने में तो क्या दोनों ही इजी। तो यार बात करें बच्चे अपन लोग, इसके नोट्स में सजेशन दे रहा हूँ, मत लिखना ठीक है ना, मतलब हैंड रिटन मत लिखना इनको, है ना, प्रिंट आउट ही निकलवा के रख, प्रिंट आउट निकलवा लिया ना तुम लोगों ने? नहीं सर। यस सर, निकलवा लिए। चलो तो बात करें बच्चे अपन लोग, क्या होता है कोलाइड, क्या होता है कोलाइडल सॉल्यूशन? कोलाइडल सॉल्यूशन को इन शॉर्ट में हम बोलते हैं क्या, सॉल्व। क्या बोलते भैया? सॉल्व। किसी भी टाइप का सॉल्व हमेशा क्या होता है, व्हाट कोलाइडल सॉल्यूशन। तो बेसिकली कोलाइडल सॉल्यूशन क्या है, एक फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर है। इसमें क्या होता है, ये लिक्विड, यदि देखिए अपन लोग सॉल्यूशन के बेस पे, तो सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट होते, कौन कौन से बच्चे? सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट होंगे, कौन कौन से? एक तो होगा सॉल्यूट और दूसरा होगा सॉल्वेंट। अरे बोलो हाँ या ना। अब यदि बात करें बच्चे आप लोग, यहाँ पे कोलाइडल सॉल्यूशन है, तो कोलाइडल सॉल्यूशन में सॉल्यूट का नाम बोलते हैं आप लोग डैट इज डिस्पर्स्ड फेस। इसको मैं डीपी से डाउनलोड किया हुआ वहां पे। और सॉल्वेंट को बोलते हैं अपन लोग डिस्पर्जन मीडियम। तो बेसिकली बात करें बच्चे अपन लोग, सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं तो क्या बनता है, सॉल्यूशन बनता है। ये डिस्पर्स फेस को ये डिस्पर्स मीडियम के अंदर डिसॉल्व करूंगा तो क्या बनेगा आपका, कोलाइडल सॉल्यूशन। अरे बोलो हाँ ना। तो बात करें बच्चे अपन लोग यहां पर, पॉसिबिलिटी ऑफ सॉल्यूशन के बेसिस पे देखिए अपन लोग यहां पर, सबसे पहली कंडीशन होती है कि कोलाइडल सॉल्यूशन होता है दैट मस्ट बी ऑलवेज बी हेटरोजीनियस। क्या होना चाहिए, हेटरोजीनियस। अब हेटरोजीनियस के बेसिस पे देखिए टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने बन सकते हैं अपने, बोलो टोटल नंबर ऑफ फिजिकल स्टेट कितनी है, थ्री। ठीक है, और थ्री का मल्टीप्लाई कर दें, इन दैट केस क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने बन जाएंगे, नाइन। तो यहां पर देखिए बच्चे अपन लोग, सबसे इंपॉर्टेंट क्या आएगा आपका, कोलाइडल सॉल्यूशन, उसके बारे में डिफरेंस वगैरह आएगा। नेक्स्ट आपके देखिए अपन लोग प्रॉपर्टी में बहुत सारी चीजें आएंगी। सबसे पहले अपन लोग पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन, तो उसके लिए एक काम करता हूं मैं यहाँ पे। कुछ छोटी छोटी डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं बोलो, कि कंडीशन क्या होती है कोलाइडल सॉल्यूशन की। तो आपको कोई ऐसा एग्जांपल याद हो जो कोलाइडल सॉल्यूशन का एग्जांपल है, अरे बोलो, एनीवन है क्या? मिल्क, स्टार्च सॉल्यूशन, स्टार्च सॉल्यूशन, बहुत बढ़िया। जितने ही पेस्टी मटेरियल हो तो सारे के सारे क्या होते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन। मिल्क इज अ कोलाइडल सॉल्यूशन, ठीक है। इट इज अ स्टेट ऑफ सब्सटेंस दैट इज डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ पार्टिकल्स। पता नहीं क्या लिखा है, अपॉन द साइज ऑफ पार्टिकल। नेक्स्ट मैंने बोला यहां पर कौन कौन सी फेज होती है, एक होता है डिस्पर्स फेज, ये क्या होता है आपका, दैट इज पार्टिकल या फिर सॉल्यूट पार्टिकल बोल सकते हैं बोलो, इट इज जस्ट लाइक सॉल्यूट इन अ सॉल्यूशन। नेक्स्ट दिया आपका डिस्पर्जन मीडियम, इट इज जस्ट लाइक क्या होगा आपका, सॉल्वेंट इन अ सॉल्यूशन। अब बात करें बच्चे अपन लोग, ऑन द बेसिस ऑफ साइज या फिर ऑन द बेसिस ऑफ क्या होगा आपका, सॉल्यूट पार्टिकल साइज, हम लोग कोलाइडल ये सॉल्यूशंस को अपन लोग तीन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट कैटेगरी में दिया आपको ट्रू सॉल्यूशन, दूसरा दिया आपको कोलाइडल सॉल्यूशन, और तीसरा दिया है सस्पेंशन। तो बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पे, सबसे पहले क्या होता है ट्रू सॉल्यूशन, जिसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, लिक्विड सॉल्यूशन जिसको बोलते हैं अपन लोग। क्या होता है भैया लिक्विड सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन किस टाइप से होता है आपका, क्या पार्टिकल्स दिखते हैं, बोलो सर। यदि मैंने वन ग्लास ऑफ वाटर में यदि हम लोग वन स्पून ऑफ सॉल्ट डाल दिया और डिसॉल्व कर दिया उसको, क्या हमें सॉल्ट दिखेगा, नहीं
सॉल्ट नहीं देखेगा। दूसरा मैंने बोल दिया कि वन ग्लास ऑफ वाटर में यदि मैंने वहां पर इंक डाल दी, क्या देखेगा? यस सर। ये तो पता चलेगा कि इंक डली हुई है, लेकिन ये देख पाएंगे कि आप लोग कहां कहां पर पार्टिकल होंगे वहां पर? नो सर, नहीं होंगे, मतलब पिगमेंट नहीं देखेंगे उसके, ठीक है ना। और यदि बात करें बच्चे आप लोग, यदि मैंने वन ग्लास ऑफ वाटर में यदि चौक डाल दी या स्टोन डाल दिया, वो तो साफ साफ दिखेगा विद डायमेंशंस। यस सर। तो तीन कैटेगरी हो गई आपकी, कौन कौन सी? यदि पार्टिकल का साइज क्या होगा, आपका वन नैनोमीटर से कम होगा, ठीक है। पार्टिकल कौन सा बेटा? दैट इज सॉलिड पार्टिकल, सॉल्वेंट सबके लिए सेम ही होगा आपका। तो सॉलिड पार्टिकल यदि आपका क्या है, बहुत छोटा है, तो क्या बनाएगा? ट्रू सॉल्यूशन, मतलब इसको किसी भी टाइप के माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख पाएंगे। नेक्स्ट मैंने बोला यहाँ पे कि 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर, या फिर बात करें 10 से 10 अंगस्ट्रॉन्ग तक यदि साइज देखे आप बोलो, तो ये कंडीशन ही है कोलाइडल सॉल्यूशन के लिए, है ना। तो यहाँ पर जो पार्टिकल साइज यदि इतना होगा तो क्या होगा? कोलाइडल सॉल्यूशन बनाएगा। और यदि 10,000 अंगस्ट्रॉन्ग से यदि ज्यादा साइज हो गया, इन दैट केस क्या होगा? सस्पेंशन फॉर्म करेगा। अब बात करें बच्चे आप लोग सॉल्यूशन के बारे में, क्या आपको सॉल्यूट पार्टिकल दिखते हैं ट्रू सॉल्यूशन में? अरे बोलो, दिखते हैं क्या? नहीं दिखते। बट यदि बात करें बच्चे आप लोग यहाँ पर कोलाइडल सॉल्यूशन में पार्टिकल देखें तो बिल्कुल दिख सकते हैं आप लोग। और यदि आप लोग अल्ट्रा माइक्रोस्कोप, मतलब माइक्रोस्कोप से भी और ज्यादा फाइन चीज यदि कुछ ले ले अपन, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप, इन दैट केस क्या हम लोग पार्टिकल का मूवमेंट देख सकते हैं? इट इज जस्ट लाइक, ऐसा बोल सकते हैं आप लोग कि सनलाइट वगैरह यदि किसी पोर से आती है तो अपन लोग को दिखती है, बोलो है ना, वहां पार्टिकल का मूवमेंट भी देख पाते हैं अपन लोग, टिंडल इफेक्ट, निकट आई से। अरे बोलो, तो विजिबल होता है आपका। और नेक्स्ट मैंने बोला सस्पेंशन, तो क्या होगा? किसी नॉर्मल ऑब्जेक्ट को यदि हम लोग डाल दें वाटर में तो क्या होगा आपका? कि सस्पेंशन के पार्टिकल्स तो नॉर्मल दिख जाएंगे। नेक्स्ट ये सेपरेशन बाय अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, तो किस किस को सेपरेट कर सकते हैं आप लोग? जो पार्टिकल दिख ही नहीं रहा उसको हम सेपरेट कहां से कर पाएंगे? जो पार्टिकल दिख रहा है किसी भी तरीके से दिख रहा है, सेपरेट हो जाएगा। नेक्स्ट ये सेपरेट हो जाएगा। तो बात करें बच्चे आप लोग डिफ्यूजन ऑफ पार्टिकल, तो मैंने बोला कि साइज ऑफ पार्टिकल जो है सॉल्यूट पार्टिकल ये क्या है, बहुत छोटा है। इन दैट केस क्या होगा? डिफ्यूज बहुत जल्दी होगा आपका, क्योंकि कोलाइडल सॉल्यूशन में क्या होगा, डिफ्यूजन धीरे धीरे होता है आपका। मोस्ट ऑफ द सीरप जो होती हैं दे आर एज क्या होते हैं आपके, कोलाइडल स्टेट होती है। बोलो है ना, क्योंकि माना जाता है कि इस पर्टिकुलर स्टेट में क्या होती है, ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव होती है। तो ये जैसे भी वर्क करती है बॉडी के अंदर बहुत स्लो करती है, ऐसा नहीं कि बहुत जल्दी वर्क करती है। और नेक्स्ट मैंने बोला है यहाँ पे सबसे आखिरी में क्या लिखा है आपका, सस्पेंशन। सस्पेंशन में पार्टिकल ही अलग होगा, इन दैट केस डिफ्यूजन वाला केस ही नहीं होगा यहाँ पे। नेक्स्ट मैंने बोला नेचर क्या होगा आपका, यहाँ पे सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन दोनों की फिजिकल स्टेट ऑलमोस्ट सेम है, सॉल्यूट नहीं दिख रहा, इन दैट केस क्या होगा? ट्रू सॉल्यूशन इज ऑलवेज भी क्या होगा? होमोजीनियस। लिक्विड सॉल्यूशन की डेफिनेशन क्या थी आपकी? इट इज द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू substances। अरे बोलो है ना? Yes sir। एक condition for colloidal solution क्या होगा? It is always be heterogeneous। तो ये लिखा आपका heterogeneous। तो बात करना कि जो जो solution heterogeneous होंगे वही actual में colloidal solution की property को show करेंगे, और ऐसे बहुत सारे solution हम बना देंगे जो homogeneous nature के होंगे। colloidal solution तो बोलेंगे उनको, लेकिन property of colloidal solution के beyond चलेंगे। तो ये अभी फिलहाल में पहले से बता रहा हूं। नेक्स्ट मैंने बोला यहाँ पे सस्पेंशन में क्या होगा आपका, इट इज ऑलवेज भी क्या होगा आपका, हेटरोजीनियस। नेक्स्ट बात करें बच्चे आप लोग अपीयरेंस, तो बोलो क्या होगा, ट्रांसपेरेंट होगा। कोलाइडल सॉल्यूशन में देखिए बच्चे आप लोग, मैंने बोला वन ग्लास ऑफ वाटर में यदि मिल्क को डाल दें तो सॉल्यूशन बिकम्स क्या होगा आपका, मिल्की, मतलब क्या होगा, ट्रांसलूसेंट। बोलिए की बात करें बच्चे अपन लोग, यहाँ पे किसी ऑब्जेक्ट को डाल देंगे तो क्या होगा, इट बिकम्स ओपेक। एग्जांपल में देखिए अपन लोग क्या होगा, ब्राइन सॉल्यूशन हो गया, ग्लूकोज सॉल्यूशन हो गया, सुगर सिरप हो गए, सभी केस क्या होंगे आपके, ट्रू सॉल्यूशन को शो करेंगे। अब की बात करें मिल्क हो गया, स्टार्च हो गया, जेलेटिन हो गया, गोल्ड को पानी में डाल दो आप लोग, इंक वगैरह हो गए, ये सारे केस क्या होंगे आपके, दैट बिकम्स द केस ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। नेक्स्ट मैंने बोला मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर, दैट मस्ट बी क्या होगा आपका, सस्पेंशन। कोई दिक्कत? हाँ जी, नो सर। अब बात करें बच्चे आप लोग यहाँ पे कि कोलाइडल सॉल्यूशन प्रेसिपिटेशन नहीं होता, साइज ऑफ पार्टिकल थोड़े बड़े बड़े होते हैं, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन रेज हो जाता है कि कोलाइडल पार्टिकल चूंकि साइज में बहुत बड़े हैं
इन दैट केस दे मस्ट बी सेटल्ड डाउन. इन दैट केस क्या होगा, सॉल्वेंट अलग हो जाएगा और सॉल्यूट पार्टिकल अलग हो जाएंगे. तो बेसिकली कोलाइडल सॉल्यूशन जो होती है, कोलाइडल स्टेट जो होती है, दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ चार्ज ऑन पार्टिकल्स, है ना. पार्टिकल्स के ऊपर क्या होता है, चार्ज होता है. अब मैंने बोला कि जितने भी पार्टिकल हैं दैट मस्ट बी अ सॉल्यूट पार्टिकल. यदि सभी पर पॉजिटिव चार्ज लगा दूंगा तो क्या होगा बेटा, सारे के सारे पार्टिकल एक दूसरे को जस्ट रिपेल करेंगे. बोलिए, रिपेल करेंगे, हाँ है ना सर. और रिपेल करेंगे इन दैट केस क्या होगा, कंटिन्यूस एक दूसरे से दूर भागेंगे. और यदि एक पार्टिकल की यदि हम ऑब्जर्व करें तो इस टाइप से क्या होगा कि एनी डायरेक्शन में मूवमेंट जो होगा, जो क्या होता है, कंटिन्यूस चेंज हो रहा है, इसको बोलते हैं अपन लोग ब्राउनियन मूवमेंट या ब्राउनियन मोशन. तो रीजन इसका ये है आपका कि ब्राउनियन मोशन करते हैं कोलाइडल पार्टिकल्स, दैट्स व्हाई क्या होगा कि ये स्टेबल स्टेट होती है. मतलब अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी कोलाइडल पार्टिकल डू नॉट अंडरगोस प्रेसिपिटेशन, या फिर बात कर रहे हैं अपन लोग कोएगुलेशन. समझे कि भैया, समझे क्या सर? तो सेंट्रीफ्यूज कर देंगे तो बैठ जाते हैं ना वो. फिर अलग केस, वो कर ही रहे हैं आप लोग, फिर वो तो किसी को नहीं छोड़ोगे ना. अल्टीमेटली वो कैसे करोगे आप लोग बताओ. यदि मैंने बोला यहाँ पे कि कोलाइडल स्टेट क्यों स्टेबल है आपका, बोलो कोलाइडल स्टेट क्यों स्टेबल है, बिकॉज ईच पार्टिकल हैविंग क्या होगा, सेम अमाउंट ऑफ चार्ज. एंड चार्ज भी क्या है आपका, कि आइदर सभी पर पॉजिटिव चार्ज है और सभी पर क्या है, नेगेटिव चार्ज. अरे बोलो, यदि मैंने सॉलिड पार्टिकल पे सही पर पॉजिटिव चार्ज ले लिया, इन दैट केस सॉल्यूशन को न्यूट्रलाइज करने के लिए पूरा सॉल्वेंट बिकम्स क्या होगा आपका, नेगेटिव, जस्ट अपोजिट. यस सर. तो ये तो आपका सॉल्यूशन क्या होगा, आपका न्यूट्रल होगा. अब बात करें यदि सिमिलर चार्ज है, तो जब तक सिमिलर चार्ज बना रहेगा तब तक क्या होगा, ये एक दूसरे से दूर भागेंगे. मतलब कोलाइडल स्टेट बिकम्स क्या होगा आपका, स्टेबल. बट यदि मैंने बोला कि इसको अनस्टेबल बनाना और ये सारे पार्टिकल को अपन लोगों को सेटल कराना अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, इंडेक्स से करेंगे किसी भी तरीके से चार्ज को नष्ट कर दो. अरे बोलो, है ना. यदि आपने चार्ज खत्म कर दिया, इंडेक्स केस क्या होगा, कि सेटल हो जाएंगे. बोलिए सर, ब्राउनियन मोशन की वजह से इसको सेटल क्यों नहीं होता, क्या करते हैं ब्राउनियन मोशन के अगेंस्ट के वजह से प्रेसिपिटेशन क्यों नहीं होता. प्रेसिपिटेशन कराने के लिए कुछ और फैक्टर होते हैं. मैंने बोला ब्राउनियन मोशन होने के लिए भी एक कंडीशन होती है, कि ब्राउनियन मोशन बेसिकली क्या होगा आपका, कि दैट इज अ एनी डायरेक्शन में क्या होता है, पार्टिकल कंटीन्यूअस मूव करता है. अरे बोलो, एक पार्टिकल दूसरे से क्या होगा आपका, रिपल होगा. इन दैट केस यदि देखिए अपन लोग, ज़िगज़ैग मैनर में क्या होगा इसका मूवमेंट होगा. हाँ सर. अब ये इसका रीजन क्या हो रहा है कि ब्राउनियन मोशन हो क्या रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ क्या होगा आपका, सेम चार्ज ऑन ईच पार्टिकल. ठीक है, यदि इस मोशन को आपको एंड कराना है तो क्या करना पड़ेगा, बोलो, चार्ज को आप हटा दीजिए, न्यूट्रलाइज कर दीजिए इसको. ऐसे सॉल्यूशंस तो न्यूट्रलाइज रहते हैं ना कभी भी. क्या सॉल्यूशंस तो न्यूट्रलाइज रहते हैं ना. सॉल्यूशन न्यूट्रलाइज नहीं है बेटा, ये तो गलत बोल रहे हो ना. कि मैंने बोला यहाँ पर कि सॉल्यूशन है बेसिकली क्या है आपका, एक सॉल्वेंट दिया, दैट इज कॉल्ड मीडियम. हाँ सर. मीडियम क्या है आपका, सेम अमाउंट ऑफ क्या है, जस्ट ऑपोजिट चार्ज रखा है. बट यदि बात करें पार्टिकल्स पे तो क्या है आपका, सिमिलर चार्ज है ना, तो सिमिलर चार्ज होने के कारण एक दूसरे के क्या होंगे, जस्ट ऑपोजिट होंगे ना. ठीक है सर. अब दूसरी बात ये बोली कि यदि इसके चार्ज को हटाना तो ऑब्वियसली बात है कि कोई ऐसा सब्सटेंस ले लो जिस पर क्या होगा, माइनस चार्ज होगा. मतलब अपोजिट चार्ज कोलाइडल सॉल्यूशन मिला दोगे तो क्या होगा, कि सब कुछ क्या होंगे, न्यूट्रलाइज हो जाएंगे. इन दैट केस क्या होगा, प्रेसिपिटेशन हो जाएगा. ठीक है. यस सर. तो यहाँ पर देखिए भैया, कुछ एग्जांपल दिए हैं और एग्जांपल्स रिलेटेड बिल्कुल क्वेश्चंस आते हैं मेरे पास में, अपडेट नहीं हो पाई है सीट. तो लिखा है सबसे पहले डिस्पर्स मीडियम और दूसरा दिया है डिस्पर्स फेस. डिस्पर्सन मीडियम एंड डिस्पर्स फेस. तो पहला दिया आपको मीडियम और दूसरा दैट इज सॉल्वेंट, और दूसरा वाला दिया है आपको दैट इज सॉल्यूट. तो यहाँ पे सॉल्यूशन के नाम क्या क्या होंगे एज वेल एज एग्जाम्पल क्या क्या होंगे, ये एग्जाम्पल बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल आते हैं इस पर बेस क्वेश्चन. तो यहाँ पर लिखा है भैया पहले कि सॉलिड के अंदर सॉलिड हम लोगों ने डाल दिए, सॉलिड के अंदर सॉलिड सॉल्व होगा आपका, नाम क्या होगा इसका, सॉलिड सॉल्व. ओके. इसके अलावा देखिए बच्चे अपन लोग यहाँ पे एग्जांपल क्या होंगे इसके. तो मैंने बोला कि डिफरेंट काइंड ऑफ सॉलिड के अंदर सॉलिड वाले देखिए, तो दैट मस्ट बी क्या होगा, अलॉय हो सकता है, मिनरल हो गया आपका, जिम स्टोन हो गए आपके, कलरफुल ग्लास हो गया आपका, रूबी ग्लास हो गया,
पीयर्स वगैरह होगा, तो अलग अलग टाइप की चीजें होंगी आपकी, दैट मस्ट बी क्या होगा सॉलिड के अंदर, सॉलिड डिसॉल्व। ठीक है भैया। सर एलॉयज तो होमोजेनियस रहते हैं ना? होमोजेनियस, आर यू श्योर? हाँ सर होमोजेनियस रहते हो तो। अरे बोलो। हाँ सर श्योर। हाँ सर ही पढ़ा है, नाइन्थ में था ना सर। हाँ जी, तो बात करें बच्चे अपन लोग, तुम्हें ये तुम्हें ये समझ में आया एलॉय आर क्या है, होमोजेनियस, तुम्हें ये समझ में नहीं आया सॉलिड के अंदर सॉलिड डिसॉल्व किया है? हाँ जी, ये समझ में आया क्या? हाँ सर। क्या यदि दो मैटर दोनों की फिजिकल स्टेट यदि सेम करते हैं सॉल्यूशन कौन सा बनेगा? बोलो, सॉलिड सॉल्वेंट दोनों ही क्या है आपके सिमिलर फिजिकल स्टेट में, सॉल्यूशन कौन सा बनेगा? होमो, बोलो होमोजीनियस। हाँ सर। तो सर एक बार फिर से बताइए ना ये वाला सॉलिड सॉलिड वाला। मैं ये बोल रहा हूँ बेटा कि एक्चुअल में क्या होता है कि मैंने एक बात आपसे बहुत अच्छी बात बोली है कि याद रखेंगे कोलाइड सॉल्यूशन एक्चुअल में वही होता है जो कि हेटरोजीनियस का होता है। क्या होता है बेटा, आपसे कहीं पूछा जाएगा तो कोलाइड सॉल्यूशन क्या होगा, हमेशा हेटरोजीनियस होगा आपका। लेकिन ऐसे बहुत सारे होमोजेनियस सॉल्यूशन हैं जो कोलाइड सॉल्यूशन की कैटेगरी में आते हैं, लाइक मैंने बोला जेलेटिन, जेलेटिन भी आप लोग पता नहीं लगा पाएंगे है ना, तो ये होमोजेनियस है हेटरोजीनियस है। स्टार्च होमोजेनियस है हेटरोजीनियस है आप पता नहीं लगा पाएंगे। तो बेसिकली यहाँ पर भी क्या है आपका सॉलिड के अंदर सॉलिड डिसॉल्व है, तो बेसिकली बोल दिया इट इज द होमोजेनियस, बट ये सॉल्यूशन में आता है, मतलब कोलाइड सॉल्यूशन में आएगा। ठीक है, ठीक है सर। हम कब आइडेंटिफाई करेंगे, तो जब हम कुछ प्रॉपर्टी को डिफाइन करेंगे, कुछ प्रॉपर्टी क्या होंगी, दे आर जस्ट बेस्ड ऑन चार्ज होंगी आपकी, तब यहाँ पर चीजें आपको आराम से क्लियर हो जाएंगी, किसको बोल सकता हूँ किसको नहीं बोल सकता। ठीक है सर। तो इसके पार्टिकल भी उतने रेंज में रहते हैं क्या? हाँ, रेंज वही होगी आपकी है ना, तो बेसिकली मैंने बोला कि दे आर जस्ट बेस्ड ऑन क्या होगा आपका रेंज, यदि रेंज क्या है आपका सॉलिड पार्टिकल का, यदि 1 से लेके आपका 1000 नैनोमीटर की रेंज में है, इन दैट केस क्या होगा कोलाइड स्टेट में होगा वो। ठीक है जी सर। चलो तो एग्जांपल आप लोग पढ़ लेंगे कोई भी। नेक्स्ट मैंने बोला है यहाँ पे कि लिक्विड डिसॉल्व है आपका सॉलिड के अंदर, तो ज्यादा क्वांटिटी में क्या है सॉलिड, सॉलिड के अंदर लिक्विड डिसॉल्व होता क्या बनता है, दैट इज कॉल्ड जेल। कौन कौन सी जेल होते भैया? तो जेल ही होगा आपका खाने वाली, दूसरा क्या होगा कर्ड, सिंपल बात करें तो बोलो फैट के अंदर क्या होता है आपका ऑयल मिला होता है, सॉरी फैट के अंदर वाटर डला होता है। नेक्स्ट मैंने बोला बूट पॉलिश, तो ये तो ठीक है। नेक्स्ट दिया अपने चीज सॉलिड के अंदर क्या होता है आपका लिक्विड डिसॉल्व होता है। ठीक है हाजी। यस सर। सॉलिड के अंदर गैस क्या होगा, दैट इज अगेन सॉलिड सॉलिड, तो क्या होगा सॉलिड सॉल्व होगा आपका, एग्जाम्पल होगा आपका प्यूमिक स्टोन। प्यूमिक स्टोन जानते हैं आप लोग क्या होता है? नहीं सुना तो है। बहुत बहुत हाईली पोरस सब्सटेंस होता है आपका, बहुत बहुत छोटे पोर्स होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट मैंने बोला स्टाइरीन रबर, तो ये आपने अभी बहुत रिसेंटली सुन लिया है स्टाइरीन क्या होता है। ठीक है, पॉलीस्टाइरीन वगैरह, पॉलीस्टाइरीन तो नहीं होगा, स्टाइरीन रबर बात हो रही है। नेक्स्ट मैंने बोला यहाँ पे फॉर्म एंड रबर, तो बेसिकली इनमें क्या होता है कि स्मॉल स्मॉल क्या होता है आपके एयर गैप बने होते हैं सॉलिड मटेरियल के अंदर, इस कारण से क्या होता है दे आर फ्लेक्सिबल इन नेचर। बोलो हाय ना। हाँ जी। यस सर। आगे देखिए बच्चे आप बोल लो, मीडिया हमने क्या ले लिया, सॉल्वेंट लिक्विड ले लिया आप लोगों ने, और सॉल्यूट क्या है यदि सॉल्व होगा, सॉरी सॉलिड होगा तो क्या बोलेंगे इसको आप लोग सॉल्व, जिसको आप लोगों ने बोला था यहाँ पे कोलाइड सॉल्यूशन। तो ये सबसे बहुत कॉमन फिजिकल स्टेट है, इसमें सबसे ज्यादा अपन लोग यूज करते हैं कोलाइड सॉल्यूशन को, मोस्ट ऑफ द पेंट जिसमें हम लोग यूज करेंगे, स्टार्च यदि पानी में डाल दिया, प्रोटीन वो यदि वाटर में डाल दिया, मेटल सॉल्व तो मैंने बोल दिया कि गोल्ड को या फिर सिल्वर को प्लैटिनम को पानी के अंदर डाल दिया और वो डिजॉल्व हो गए, तब की बात बात हो रही है। आर्सेनिक सल्फाइड हो गया, इंक हो गया, एक्वाडक, एक्वाडक मतलब होता है ग्रेफाइट जो होता है, बेसिकली क्या होता है दैट इज अ सॉफ्ट सब्सटेंस that must be used in what as a lubricant in machinery operated at high temperature, pata nahi pata aapko 11th class se people ko padha hoga, yes sir pata hai, graphite is a soft material can be used as a lubricant hai na, solid kya hota hai aapka lubricant hota hai,
तो इसको वाटर में यहां डिसॉल्व करते हैं अपन लोग, तो उस सब्सटेंस को बोलते हैं अपन लोग एक्वाडक्ट, ठीक है। नेक्स्ट मैंने बोला सेल फ्लूइड, तो यहां पर देखिए बच्चे अपन लोग लिक्विड के अंदर यदि लिक्विड डाल देंगे दैट बिकम्स द केस ऑफ व्हाट, इमल्सन। इमल्सन में दो केस होते हैं आपके, ऑयल इन वॉटर, ज्यादा क्या है आपका वॉटर की ऑयल, वॉटर ऑयल इन वॉटर, वॉटर ज्यादा है आपका, तो मिल्क में वॉटर ज्यादा होता है फैट कम होता है। वेनिशिंग क्रीम, नेक्स्ट मैंने बोला वॉटर इन ऑयल, अब क्या ज्यादा हो गया, ऑयल ज्यादा हो गया, दैट इज बटर हो गया। कॉड लीवर ऑयल, सुना होगा आप लोगों, कॉड लीवर ऑयल किसके काम आता है, फॉर विटामिन, विटामिन किस विटामिन के लिए ज्यादा अच्छा होता है कॉड लीवर ऑयल, सी शायद विटामिन ए, ए सी हो सकता है आपका, वो सिट्रिक एसिड के साथ में देते हैं एक्चुअल में, ठीक है। नेक्स्ट लिखा कोल्ड क्रीम हो गया, इमल्सिफाइड और हो गया, डिफरेंट काइंड ऑफ मेडिसिन हो गई आपकी, सेविंग क्रीम हो गई, हेयर क्रीम हो गई, सभी क्या होंगे इसी के एग्जांपल में। नेक्स्ट दिया आप उनको लिक्विड के अंदर डिसॉल्व है आपका गैस, लिक्विड के अंदर गैस डस्ट भी, डस्ट भी क्या होगा आपका, सोडा वाटर। सर तो एरोसॉल क्या रहता है? हाँ जी एरोसॉल, एरोसॉल गैस के अंदर यदि लिक्विड होता तो ठीक है सर, ठीक है। तो मैंने बोला यहाँ पे लिक्विड के अंदर गैस होगा आपका, तो क्या होगा इसको बोलेंगे आप लोग फ्रोथ, या फिर बोलेंगे फॉर्म लाइक सोप लेदर, लिमिटेड फ्रोथ हो गया, फॉर्म हो गया, बिब्ड क्रीम हो गया, सोडा वाटर हो गया, ये सारे इसके एग्जांपल होंगे। नेक्स्ट मैंने बोला गैस के अंदर यदि सॉलिड होता है तो गैस के अंदर सॉलिड होगा, इन दैट केस क्या होगा, इट इज द एरोसॉल ऑफ सॉलिड। एग्जाम्पल में आएगा आपका स्मोक हो गया, इसमें क्या होता है कार्बन होता है। वॉल्केनिक डस्ट हो गया तो डिफरेंट काइंड ऑफ क्या होंगे आपके, मेटल ही होंगे। और नेक्स्ट मैंने बोला हैज, ठीक है, तो ये सभी चीजों में क्या होगा आपका, इन सभी चीजों में क्या होगा, गैस के अंदर क्या होते हैं, सॉलिड पार्टिकल होते हैं। नेक्स्ट मैंने बोला गैस के अंदर यदि लिक्विड होता है आपका, तो इन दैट केस क्या होगा आपका, कि इसको बोलेंगे एरोसॉल ऑफ लिक्विड। एग्जाम्पल में क्या क्या हो सकता है आपका, तो जितने भी डिओड्रेंट वगैरह हो गए, स्प्रे हो गए, सभी में क्या होगा आपका, कि प्रेसराइज्ड एयर होता है, दैट मस्ट कंटेन क्या होता है, लिक्विड सब्सटेंस। तो यहाँ पर लिखा आप लोगों ने फॉग हो गया, क्लाउड हो गया, मिस्ट हो गया, इंसेक्टिसाइड स्प्रे हो गया, ये सभी केस में क्या होगा आपका, कि गैस के अंदर क्या है, लिक्विड प्रेजेंट होता है। बोलो हाय ना, अरे बोलिए, ठीक है। यस सर, तो एक नोट पॉइंट आया है कि यहाँ पर एक केस ने लिया दैट इज गैस इन गैस, तो गैस के अंदर गैस, इट इज ऑलवेज भी 100% क्या होगा आपका, हेटरोसोमोजेनियस होगा, इसलिए इक्वलाइड सॉल्यूशन कैटेगरी में नहीं आ सकता, ठीक है। बाकी सब में क्या होगा, अपन लोग कहीं ना कहीं साइज का, पार्टिकल का साइज यदि चेंज कर देंगे तो कोलाइड स्टेट में, लेकिन गैस के पार्टिकल का साइज थोड़ी चेंज कर सकते, कर सकते क्या? अरे बोलो। नेक्स्ट लिखा है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन मीडियम एंड सॉल्यूट। तो बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी आती है, तो इनको एक बार थोड़ा थोड़ा समझ लिया अपन लोग। हाँ जी यस सर। तो लिखा है आपका सबसे पहले लायोफोबिक, या फिर बात करते हैं अपन लोग इमल्सॉइड। क्या होता है भैया लायोफोबिक? फिलिक लिखा है ना आपने? हाँ जी फिलिक लिखा है। अच्छा चलो लायोफोबिक नीचे दिया, मतलब डेफिनेशन फिर लायोफोबिक बोलता है, लायोफिलिक दिया है, दूसरे क्या दिया है लायोफोबिक, क्या होता है भैया? लायोफिलिक आर दो सब्सटेंस जो क्या होते हैं, वाटर लविंग बोल सकते हैं अपन लोग या सॉल्वेंट लविंग बोलेंगे। मतलब बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पर कि एक सब्सटेंस को यदि मैंने डिसॉल्व किया, फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि यदि दिया हुआ है आपको स्टार्च, या फिर मैंने बोला दिया है दैट इज ग्लू, तो बताइए क्या ग्लू वाटर में डिसॉल्व होता है? अजी पता नहीं कभी किया नहीं, डिसॉल्व हो जाता है। चलो जेलेटिन तो नाम सुना होगा आप लोगों ने, जेलेटिन, तो जेलेटिन वाटर में डिसॉल्व होता है, हाँ ना? पता नहीं सर। यस सर, जेलेटिन इज इजीली डिसॉल्व इन वाटर। तो बात करें बच्चे आप लोग कि जिलेटिन की टेंडेंसी होती है वाटर के अंदर डिसॉल्व होने की। अब ये जिलेटिन का नेचर है, ठीक है,
तो यहाँ पर इन दोनों के मिक्स होने पर पहली बार तो इसको मिक्स करने के लिए हम लोग आइदर नॉर्मल वाटर या समटाइम इनिशिएशन के लिए आप लोग क्या करेंगे वार्म वाटर यूज करेंगे और जस्ट इसके अंदर डिजोल्व कर देंगे तो क्या होगा इजिली डिजोल्व हो जाएगा और इजिली डिजोल्व हो जाएगा इन दैट केस क्या होगा कि ये होगा आपका लायोफिलिक। अब लायोफिलिक में भी क्या होंगे अलग अलग कैटेगरी आ सकती है। तो मैंने बोला यहाँ पर यदि मैंने बोला कि सॉल्वेंट हमेशा यदि वाटर होगा तो लायो की जगह हम लोग यूज कर सकते हैं इट इज हाइड्रोफिलिक। अरे बोलो है ना वाटर लविंग क्या बोलेंगे बच्चे हाइड्रोफिलिक। यदि मैंने बोला कि सॉल्वेंट आपका इथेनॉल है SETOH क्या बोलेंगे बच्चे बोलो अल्कोफिलिक। ये फिर बात करें बच्चे आप बोल लो बेंजीन दिया है दैट इज बेंजोफिलिक। तो यहाँ पर देखिए बच्चे अपन लोग सॉल्वेंट के बेस पे क्या होगा अपन लोग डिफरेंट काइंड ऑफ नेम बोल सकते हैं। सिमिलरली बात करें बच्चे अपन लोग क्या जो गोल्ड है दैट इज डिसॉल्व इन वाटर बोलो क्या गोल्ड को वाटर में डिसॉल्व कर सकते हैं नहीं कर सकते। इज ऑयल इज डिसॉल्व इन वाटर नहीं सर बोलो डिसॉल्व कर सकते हैं नहीं सर सब एक्सटेंड तक कर सकते हैं लेकिन वो क्या होगा ऐसे आप रुक जाएंगे वैसे वैसे भी क्या होगा वो स्प्लिट होने लगेगा बोलो है ना। तो इस फिजिकल स्टेट को मैंने सम रीजन के थ्रू इन दोनों को यदि मैंने मिला भी दिया तो पहली बात तो क्या होगा इनमें ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली मिल जाए मतलब यहाँ पर ज्यादा एफर्ट डालना पड़ेगा बोलो है ना एज कम्पेयर टू दिस वन। इसका तो नेचर ही था इसके अंदर डिसॉल्व होना। स्टार्च होता तो स्टार्च वाटर में सॉल्युबल होता आपका पार्शियल सॉल्युबल होता लेकिन होता है। लेकिन बात करें बच्चा बोलो इस गोल्ड इज सॉल्युबल इन वाटर अरे बोलो नो सर नहा रहे थे लो भैया ऑर्नामेंट वगैरह जितने थे आपके गोल्ड के सब बह गए ऐसा होता है क्या। नेक्स्ट मैंने बोला ऑयल के साथ में तो ऑयल एंड वाटर जो होते हैं उनका नेचर ही अलग होता है। ऑयल क्या होता है आपका स्ट्रॉन्गली क्या होता है आपका हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है। तो बात करें बच्चे आप लोग यहाँ पे सेम कैटेगरी है ऐसी आती है आपकी कि जब सॉल्यूट सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व नहीं होता या फिर बात करते हैं अपन लोग सॉल्यूट के पार्टिकल सॉल्वेंट से रिपल्शन फील करते हैं उसको बोलते हैं अपन लोग लायोफोबिक फोबिया अरे बोलो है ना। तो मैंने बोला है कि बाय एनी प्रोसेस हम लोगों ने इनको जैसे बना भी दिया तो बना देंगे तो क्या हो गया कि ये स्टेबल नहीं होंगे तुरंत से क्या होंगे स्प्लिट होना चाहिए। इसलिए बात करें बच्चे अपन लोग इनको बनाने के बाद में कुछ स्टेबलाइजर यूज करना पड़ेगा अदरवाइज क्या होगा ये फिर से स्प्लिट हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए आप लोग इनका फॉर्मेशन होता डेट मस्ट भी क्या होगा आपका एक डिफरेंट डिफरेंट मैनर में होगा अलग अलग टाइप की रिएक्शन होंगी दो चार रिएक्शन अपन लोग पढ़ेंगे कैटेगरी में। समझ में आया क्या आपको बोलिए क्लियर है लायोफिलिक क्या होता है सॉल्वेंट लविंग। अब बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पर एक ऐसा सॉल्व बना रहे हैं अपन लोग जो खुद ही क्या है आपका वाटर के अंदर डिसॉल्व हो रहा है। अब वाटर के अंदर डिसॉल्व हो रहा है आपका तो ऑब्वियसली बात है क्या होगा इन दोनों का ऑलरेडी नेचर क्या है आपका ऐसा है कि आराम से रिएक्शन करने वाला है सिंपल डिसोल्यूशन वाला। और दूसरा हम लोग बना रहे हैं तो हम लोग कभी भी कोई चीज ये क्या है दैट मस्ट बी अ नेचुरल प्रोसेस अरे बोलो डिसोल्यूशन ऑफ देम अपने आप से हो रहा मतलब नेचुरल हो गया आपका स्पॉन्टेनियस हो गया। और एक हम कर रहे हैं तो रिएक्शन अच्छी कौन सी होती है स्पॉन्टेनियस अच्छी होती है कि नॉन स्पॉन्टेनियस अरे बोलो स्पॉन्टेनियस अच्छी कौन सी होती है स्पॉन्टेनियस कि नॉन स्पॉन्टेनियस अकॉर्डिंग टू अस स्पॉन्टेनियस स्पॉन्टेनियस अरे बोलो नॉन स्पॉन्टेनियस स्पॉन्टेनियसली मतलब डिजायर्ड प्रोडक्ट खुद से मिल जाए तो अच्छी बात है ना ये मूर्छा वाली बात है ना बेटा। अब कुछ और मिल जाएगा तो हमें मेहनत करनी पड़ेगी। आपकी नीड क्या है और नेचर आपको क्या दे रहा है आपकी नीड क्या है आप उसी के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करोगे ना। मुझे बस इतनी साइज के पार्टिकल चाहिए कंडीशन लगा दी ना आपने डेट मस्ट बी रैगिंग फ्रॉम क्या हो गया एक से लेके 1000 नैनोमीटर की पार्टिकल सही आपको। अब ये तो नेचुरल प्रोसेस है कुछ भी चलेगा अरे बोलो हाँ ना।
नहीं है सर। हाँ समझ जाओ, जो चाहिए वो मिल जाए तो अच्छी बात है ना। इसमें क्या होता है, एज पर आवर डिमांड हम लोग किसी भी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, बट स्पॉन्टेनियस में क्या होता है, दैट इज अ नेचुरल अकरिंग प्रोसेस, ये ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। अरे बोलो है ना, क्लियर है? यस सर। गर्मी लगती है तो हम जो आपके जस्ट ऊपर पंखा होगा वही चलाते ना, बोलो स्पॉन्टेनियस। आपने स्पेसिफिक कर दिया कि जहां आप बैठे हो वहीं पर पंखा चले, नेचुरल क्या है, चले जाओ आराम छत पर, धूप भी लग रही है, हवा भी चल रही है। अरे बोलो, तो कौन सी प्रोसेस अच्छी होती है, स्पॉन्टेनियस की नॉन स्पॉन्टेनियस? नॉन स्पॉन्टेनियस, जिससे हमें रिजल्ट मिल जाए, है ना, हमारी डिमांड के अकॉर्डिंग अच्छी होती है। ठीक है चलो आगे बढ़े क्या। हाँ जी नेक्स्ट मैंने बोला यहाँ पे कि समझते हैं अपन लोग लायोफिलिक, या फिर बात करते हैं अपन लोग यहाँ पे सॉल्वेंट लविंग कोलाइड। तो लिखा है कोलाइडल सॉल्यूशन इन विच द पार्टिकल ऑफ डिस्पर्स फेस, मतलब सॉलिड हैज ग्रेट एफिनिटी फॉर द डिस्पर्जन मीडियम एंड आर कॉल्ड लायोफिलिक कोलाइड एंड दे आर इजिली फॉर्म। ये इनको आराम से बना सकते हैं अपन लोग, सिंपल है करना अपन को, आइदर नॉर्मल वाटर या फिर मैंने बोल दिया कि समटाइम्स वार्म वाटर, है ना, इनको यूज करेंगे अपन लोग। लाइक मैंने बोला कि स्टार्च वगैरह नॉर्मल वाटर में डिजोल्व नहीं होगा, थोड़ा सा गर्म कर लो पानी को। नेक्स्ट मैंने बोला यहाँ पे क्या हो गया, लायोफोबिक हो गया आपका। तो लायोफोबिक में देखिए बच्चे अपन लोग, दैट इज नोन एज व्हाट, सस्पेंशन राइट, उनको बोलते हैं अपन लोग इमल्सॉइड। लिखा है The colloidal solution in which there is no affinity between the solute and the solvent and they are formed by difficulty. तो अलग अलग टाइप के मेथड्स होते हैं, इनको बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो लिखा है यहाँ पे एक स्टार पॉइंट, इफ द डिस्पर्जन मीडियम इज वॉटर तो इनको बोलेंगे अपन लोग क्या, हाइड्रोसोल। यदि अल्कोहल है तो बोलेंगे अपन लोग अल्कोसोल, बेंजीन है तो बोलेंगे बेंजोसोल, और यदि एयर है ये गैस है इन दैट केस क्या होगा, इट इज एरोसोल। कोई दिक्कत? हाँ जी बोलो। सही है। अब बात करें बच्चे आप लोग, यहाँ पे क्वेश्चन रेज हुआ कि भैया गोल्ड वाटर के अंदर डिसॉल्व क्यों नहीं हो रहा। हाँ जी, गोल्ड वाटर के अंदर डिसॉल्व क्यों नहीं हो रहा, हो सकता है क्या? ये तो पता है नहीं हो सकता, हो सकता है? बोलो, अरे बोलो भैया, तो यहां पर एक बात बोले बच्चे को, व्हाट इज द कंडीशन फॉर स्टेबिलिटी ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन उस फिजिकल स्टेट में क्यों स्टेबल है, जस्ट बिकॉज ऑफ वन रीजन, क्या? ब्राउनियन मोशन। अरे बोलो है ना? Yes, sir. अब ब्राउनियन मोशन बेसिकली क्या होता है और क्यों होता है, कि सॉलिड पार्टिकल पे क्या होता है कि सभी पर आइडेंटिकल अमाउंट ऑफ चार्ज होता है विद सेम साइन। तो मैंने बोला यहाँ पर कि यदि मैंने बहुत बारीक बारीक पीसेस कर लिए गोल्ड की और उसको somehow कैसे भी करके उसको वाटर के अंदर डिसॉल्व कर भी दिया, तो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, डेंसिटी ज्यादा है, इन दैट केस क्या होगा, ये तो क्या होगा, ड्रैग एट क्या होगा, सेटल डाउन, मेटल है ना। हाँ सर। यहाँ पर अपन को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर अपन को करना ये पड़ेगा कि हर एक गोल्ड पार्टिकल पे आइदर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज को इंड्यूस कराना पड़ेगा, बोलो है ना, एंड दैट मस्ट बी कंपल्सरी, तभी तो क्या होगा यहाँ पर ब्राउनियन मूवमेंट हो पाएगा, बोलो। हाँ सर। तो ब्राउनियन मूवमेंट कराने के लिए, मतलब इस फिजिकल स्टेट को स्टेबल करने के लिए अपनों करना पड़ेगा कि यहाँ पर समहाउ आइदर नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज लेके आना पड़ेगा। वैसे हमेशा नेगेटिव चार्ज होता है बाय नेचर, आपको हमेशा पता होना चाहिए, मेटल पे हमेशा क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है इन केस ऑफ सॉल्व, ठीक है ना। तो मीडियम पे क्या होगा आपका, वाटर पे होगा पॉजिटिव चार्ज। अब बात करें बच्चे अपन लोग, मैंने बोल दिया कि नेगेटिव चार्ज आ गया आपका, नेगेटिव चार्ज यदि आप मेंटेन रख पाए इन दैट केस क्या होगा, सॉल्व बिकम्स स्टेबल। मतलब ये आपने कैसे किया, ये आपने सिंपली क्या कर दिया, यहाँ पर कुछ अनदर सब्सटेंस का एडिशन किया, इस कारण से इस पर परमानेंटली क्या होगा, नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो गया। अरे बोलो है ना। तो यहाँ पर हम सॉल्व बनाए डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल मेथड के थ्रू,
उसमें कुछ स्टेबलाइजर डाल दिए, तब जाके हमारा जो गोल्ड सोल है इट बिकम्स स्टेबल, जिसको हम यूज कर सकते हैं। अब क्वेश्चन रेज हुआ कि यहाँ पर बहुत सारे गोल्ड के पार्टिकल्स दिए हुए हैं, दैट इज गोल्ड के पार्टिकल्स दिए। अब मैंने एक क्वेश्चन पूछता हूँ यहाँ पे कि दैट इज वॉटर। फर्स्ट ऑफ ऑल ये सोल नेचुरली बना है कि हमने बनाया है? हमने बनाया है, मतलब इट मस्ट बी क्या होगा 100% श्योर व्हाट? ब्राउनियन मोमेंट। यदि स्टेबल है तो ब्राउनियन मोमेंट शो करेगा, हाँ है ना? यस सर। नेक्स्ट मैंने बोला यदि इसको माइक्रोस्कोप के थ्रू देखूंगा तो क्या होगा कि पार्टिकल की जो रेंज होगी, हम जब हम खुद ही बनाए तो हम लोग तो मेंटेन किए होंगे ना कि 10 से लेकर 10,000 एंगस्ट्रॉम तक, बोलो मतलब 100% क्या होगा? ये होमोजीनियस नेचर का होगा। बट वॉट अबाउट दिस वन, इसका नेचर क्या होगा? ये नेचुरल करेंगे, इसकी टेंडेंसी है इसके अंदर डिसॉल्व होने की। हमें नहीं पता कि एस पर नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, कोई चार्ज भी नहीं है। अब कोई चार्ज भी नहीं है, ऐसा भी केस हो सकता है, मतलब ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पर ये ब्राउनियन मोमेंट शो करे। ये तो क्या हो गया आपका, एक नॉर्मल फिनोमेना या नेचुरल फिनोमेना हो गई आपकी, ठीक है। इसके बेस पे देखिए बच्चे अपन लोग यहाँ पर डिफरेंस पड़ते हैं क्या क्या होगा आपका। तो पहली बात तो बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पे कि यदि मैंने बोला स्टार्च को पानी में डाला तो स्टार्च को पानी में इजिली डिजोल्व कर सकते हैं, बोलो हाँ है ना? हाँ जी यस सर। जिलेटिन को वाटर में इजिली डिजोल्व कर सकते हैं, हम डिजोल्व कर सकते हैं। क्या होगा यदि जिलेटिन के सॉल्यूशन को अपन लोग गर्म करेंगे तो एवेपोरेशन ऑफ वाटर होगा, हाँ जी एवेपोरेशन ऑफ वाटर होगा, आखिरी में क्या मिल जाएगा? अगेन जिलेटिन, मतलब रिएक्शन कौन सी होगी? डेट इज रिवर्सिबल, लेकिन हमने जो रिएक्शन कराई डेट मस्ट भी क्या होगा आपका? इररिवर्सिबल, अपने खुद से नहीं जाएगी आपकी। तो लिखा आपका यहाँ पे वॉट प्रिपरेशन, तो लिखा है इजिली बाय सीकिंग और वार्मिंग, और यहाँ पे लायोफोबिक बनाने के लिए अपन लोग स्पेशल काइंड ऑफ मेथड यूज करते हैं। अपन लोग बेसिकली दो मेथड यूज करते हैं, वो अपन देखते थोड़ी देर से। नेक्स्ट लिखा आपका नेचर, तो नेचर क्या होता है? पहली वाली जो रिएक्शन होती है वो रिवर्सिबल की होती है, मतलब उसको बनाना और हटाना दोनों ही आसान है। रिवर्सिबल का मतलब तो जानते हो ना आप लोग क्या होता है? अरे बोलो। यस सर। क्या होता है? मतलब वापस से पुराने स्टेट में, मतलब उनको सेपरेट कर सकते हैं। फिजिकल स्टेट में यूज किया था, उसी फिजिकल स्टेट में वापस पहुंचा दिया आपने, ठीक है। यहाँ पे इररिवर्सिबल लिखा, मतलब गोल्ड सोल बना तो ली है, अब दोबारा यदि हम चाहें कि फिर से गोल्ड प्लस वाटर मिल जाए तो किसी एक चीज को नष्ट करना पड़ेगा। कोई एक चीज जो ऑप्टेन करेंगे दूसरी चीज क्या होगी? कुछ ना कुछ खराब हो जाएगी, ठीक है, मतलब इररिवर्सिबल नेचर का। स्टेबिलिटी देखें, जो खुद से बन रहा है ऑब्वियसली ज्यादा स्टेबल होगा। उल्टा नहीं हो गया क्या सर? क्या सॉल को उसको छोड़ दो सर, मतलब स्टेबलाइजर जो हमने इंड्यूस करने के लिए डालते थे वो नहीं डालेंगे तो वो अपने आप ही सेपरेट हो जाएगा, हमको कुछ करना भी नहीं होता। फिर बात ये बोले ना, बना ही नहीं है ना, फिर जिसको बनाया ही नहीं है इन दैट केस वो तो उसी स्टेट में ना, गोल्ड अलग है वाटर अलग है, स्टेबलाइजर डालना पड़ेगा ना, उस स्टेट तक पहुंचना पड़ेगा ना। स्टेबलाइजर को नहीं निकाल सकते क्या? स्टेबलाइजर को नहीं, एक्चुअल में वहां पर अलग होता है, गोल्ड के केस में अलग होता है, मतलब मेटल के केस में अलग होता है। स्टेबलाइजर को हटा सकते हैं अपन लोग? बिल्कुल हटा सकते हैं। मैंने बोला सपोज कितना चार्ज है आपके पास में गोल्ड के ऊपर? नेगेटिव चार्ज। आप सभी को ऊपर क्या कर दो? सारा पॉजिटिव चार्ज दे दो, है ना? पॉजिटिव चार्ज मैंने बोले फॉर एग्जांपल एसिड मिला दिया, एसिड मिला दूंगा तो क्या होगा? सभी के सभी जितने गोल्ड पार्टिकल्स होंगे सभी क्या होंगे आपके? न्यूट्रलाइज होंगे। एसिड मिलाया इन दैट केस रिएक्शन भी होगी, हो सकता है HCl मिलाया तो क्या बनेगा? AuCl3 बना लेंगे। तो AuCl3 क्या गोल्ड होता है? बोलो। नहीं। तो आपको गोल्ड जिस फॉर्म में यूज किया था दैट इज प्योर फॉर्म में, वो दोबारा से उसी प्योर फॉर्म में आपको ऑब्टेन नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट मैंने बोला यहां पर कि लिखा है इट इज मोर स्टेबल, तो ऑब्वियसली जो अपने खुद से बन रहा है वो ज्यादा स्टेबल होगा, और इसको हम बना रहे हैं तो ऑब्वियसली स्टेबलाइजर डालने के बाद में स्टेबल हो रहा है, इन दैट केस इट मस्ट बी क्या होगा? लेस स्टेबल। नेक्स्ट बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पर जिलेटिन, या फिर बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पर दूसरा होगा जिलेटिन के बाद में स्टार्च होगा, ये वाटर में डालते हैं समटाइम हमारी रिक्वायरमेंट के बेस पे हम लोगों को विस्कोसिटी ऑफ द मैटर बढ़ाना होती है। विस्कोसिटी बढ़ाने के लिए हम लोग ये सारे सब्सटेंसेस को यूज करते हैं। तो मैंने बोला है कि जो सॉल्व बना है उसकी विस्कोसिटी क्या होगी आपकी? मीडियम कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होगी, बोलो है ना? हाँ सर।
जबकि बात करें जो हमने सॉल्व बनाया है उसकी विस्कोसिटी क्या होगी, सेम होगी जैसे वाटर की थी, मतलब गोल्ड के पार्टिकल चारों साइड मूव तो कर रहे हैं, सॉल्यूशन बिकम्स क्या होगा आपका गोल्डन कलर शो कर रहा है, लेकिन थिकनेस देखे आप लोग तो वही है जो पहले वाटर की थी। नेक्स्ट मैंने बोला सरफेस टेंशन क्या होगा आपका, कि विस्कोसिटी बढ़ गई, इनलेट के सरफेस टेंशन क्या होगी आपकी वाटर की, सॉरी वाटर के कंपैरिजन में क्या होगी, कम होगी, जबकि यहाँ पे मीडियम के बराबर ही होगी। नेक्स्ट मैंने बोला हाइड्रेशन, क्योंकि क्या हो रहा है कि इनकी नेचर ही है आपका क्या है कि ये खुद से बन रहे हैं, इन दैट केस क्या होगा कि जल्दी से वाटर से रिएक्ट कर लेंगे आप लोग। की बात करें बच्चे आप लोग यहाँ पर क्या होगा हाइड्रेशन, तो ऑब्वियसली बात है क्या होगा दे रिपेल बाय सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, इन दैट केस क्या होगा कि देयर इज लेस एफिनिटी होगी आपकी। नेक्स्ट मैंने बोला यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि एक्चुअल में कोलाइडल सॉल्यूशन की स्टेबिलिटी जस्ट बेस्ड ऑन व्हाट, आइदर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, बोलो है ना, यदि ये चार्ज इंड्यूस कर पाए तभी ब्राउनियन मोमेंट होगा, ब्राउनियन मोमेंट होगा इन दैट केस क्या होगा, इन दैट केस क्या होगा कोलाइडल सॉल्यूशन बिकम स्टेबल, लेकिन यहां पर कोई चार्ज की बात ही नहीं हो, चार्ज की बात नहीं हो फिर भी ये स्टेबल है, इन दैट केस ये ब्राउनियन मोमेंट वाली प्रॉपर्टी से तो अपन लोग इसको डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट मैंने बोला यहाँ पे विजिबिलिटी, पार्टिकल कांट बी सीन बाय अल्ट्रा माइक्रोस्कोप, व्हाई सो, बिकॉज इसके पार्टिकल बहुत छोटे होंगे आपके, लेकिन ये जो पार्टिकल्स है हमने उसी रेंज में बनाए जिस पार्टिकल रेंज में आपका क्या होना चाहिए कोलाइडल सॉल्यूशन होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर देखिए ना, तो यहाँ पर आप लोग ये सॉल्यूशन वेट नहीं कर रहे, खुद से रिएक्ट कर रहा है और खुद से क्या हो रहा है तुरंत से डिजोल्व हो रहा है, ये नहीं देख रहा है कि आपको पार्टिकल का साइज मेंटेन करना है, लेकिन यहाँ पर आप लोग चूंकि खुद ही बना रहे हैं इन दैट केस क्या होगा साइज मस्ट भी क्या होगा आपका मेंटेन। अरे बोलो हाँ है ना, यस सर। अब बात करें बच्चे आप लोग, यदि मैंने बोला कि इसके ऊपर किसी एसिड का एडिशन कर दिया तो क्या होगा, गोल्ड पार्टिकल का जो चार्ज रहेगा डेट मस्ट भी क्या होगा आपका न्यूट्रलाइज होगा, और अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी क्या होंगे आपके सेटल डाउन हो जाएंगे, दैट इज कॉल्ड कोएगुलेशन, ये फिर क्या बोलेंगे इसको प्रेसिपिटेशन। तो जिसके ऊपर चार्ज था उसका कोएगुलेशन करा सकते हैं, लेकिन जिसके ऊपर चार्ज ही नहीं है इन दैट केस उसका कोएगुलेशन कर सकते हो क्या, बोलो। तो हम लोग क्या करते हैं एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, जैसे मैंने किसी एसिड को ऐड किया या किसी सॉल्ट को ऐड कर दिया या किसी अल्कली को ऐड किया, तो यहाँ पर क्या होगा यदि चार्ज होगा तो चार्ज मतलब क्या होगा डिस्चार्ज होगा, लेकिन जिस पर चार्ज ही नहीं है इन दैट केस डिस्चार्ज काएगा, मतलब इनको हम लोग क्या कर सकते हैं इनको यहाँ पर कोएगुलेशन नहीं करा सकते। अरे बोलो हाँ है ना। नेक्स्ट मैंने बोला टिंडल इफेक्ट, लेकिन एक्चुअल कोलाइड नहीं है वो। कोलाइडल है लेकिन क्या है जो ट्रू डेफिनेशन ऑफ कोलाइड होती है उसको फॉलो नहीं करते। तो यहाँ पर एक प्रॉपर्टी होती है कोलाइडल सॉल्यूशन की, यदि इनके ऊपर लाइट पास करते हैं चार्ज सॉरी पार्टिकल जो होते हैं इनका साइज थोड़ा ज्यादा होता है इन दैट केस इसको हम लोग आराम से देख पाते हैं, ठीक है इन डार्क। तो यहाँ पर देखिए बच्चे अपन लोग लाइव फ्लिक में क्या होता है पार्टिकल का साइज क्या होता है अपन लोग नहीं देख पाते है ना, क्योंकि बहुत छोटे पार्टिकल होते हैं, लिखा है यहाँ पर कांट बी सीन बाय अल्ट्रा माइक्रोस्कोप, इन दैट केस क्या होगा यहाँ पर टिंडल इफेक्ट शो नहीं होगा। जबकि बात करें यहाँ पर जो साइज ऑफ पार्टिकल एट मस्ट बी मेंटेन, इन दैट केस क्या होगा कि यहाँ पर टिंडल इफेक्ट शो होगा। तो डू यू नो टिंडल इफेक्ट क्या होता है? यस सर, स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलाइडल पार्टिकल्स। अब देखिए बच्चे अपन लोग ऐसे कौन कौन से सब्सटेंस हो सकते हैं आपके जो लायोफिलिक होते हैं आपके, मतलब पहला होगा आपका गम, गम वाटर में डिजोल्व होता है, अरे बोलो है ना, ग्लू डिजोल्व होता नहीं होता वाटर में, हाँ सर ग्लू को डिजोल्व कर सकते हो बच्चे अपन लोग, सिंपल बात करेंगे आप जो मार्केट से ग्लू लेके आ रहे हो उसको वाटर में डिजोल्व कर सकते हो क्या? हाँ सर कर सकते, कर सकते बिल्कुल है ना। तो अपने मतलब सिंपल बात है कि आपका पर्पस क्या है, यदि आपको एडिसिव तरीके से यूज करना हो उसको ऐसी जगह यूज करना है कि दोबारा एक दिन में ही निकल रहा है डेट केस, ऐसा कर सकते हो आप लोग, उसमें पानी डाल दो है ना उसको और डाइल्यूट कर लो। जेलेटिन होगा आपका तो जेलेटिन पाउडर आपका पता है किस काम में आता है ना, आइसक्रीम वगैरह में डलता है। स्टार्च हो गया आपका, प्रोटीन हो गया, रबर हो गया आपका, नेक्स्ट मैंने बोला ग्लू एक्सेट्रा। अब की बात करें बच्चे आप लोग लायोफोबिक जिसको हमें बनाना है मेटल हाइड्रोक्साइड, सपोज आयरन का हाइड्रोक्साइड बनाया और हम चाहते हैं कि उसका सॉल्व बने आपका, इन दैट केस क्या होगा कि हम लायोफोबिक बनाएंगे। सल्फाइड लाइक सिल्वर एंड गोल्ड के सल्फाइड हो गए आपके,
नेक्स्ट लिखा है आपका हाइड्रोक्साइड दिया, सल्फाइड दिया, क्ले, क्ले जानते हैं आप लोग क्या होता है। नेक्स्ट मैंने बोला सिल्वर हैलाइड दिया है इन एक्वा सॉल्यूशन। तो अलग अलग केस में देखिए बच्चे आप लोग यहाँ पे लायोफिलिक एंड लायोफोबिक के बारे में पढ़ सकते हैं। तो बात करें बच्चे आप लोग लायोफिलिक को बनाना बहुत ही आसान है और दे आर नॉट ट्रू कोलाइडल सॉल्यूशन, बट लायोफोबिक को हम बनाए इन दैट केस हम ही ट्रू है। अरे बोलो है ना। तो लायोफिलिक को अपन ट्रू सॉल्यूशन क्यों नहीं बोल रहे, मतलब सब कुछ तो वही कर रहे हैं। बेसिकली दो प्रॉपर्टी को हम सबसे ऊपर लेते हैं, कौन कौन सी कोलाइडल सॉल्यूशन की, एक तो होता है ब्राउनियन मोमेंट सर, और दूसरा क्या होता है आपका टिंडल इफेक्ट। दोनों से तो नहीं है, तो चार्ज है नहीं है इन दैट केस ब्राउनियन मोमेंट होगा नहीं, और साइज भी नहीं है इन दैट केस टिंडल इफेक्ट भी नहीं होगा। ठीक है सर। अब बात करें बच्चे आप लोग, क्वेश्चन रेज ये हो गया क्या इसको कोलाइडल सॉल्यूशन कहना अपमान तो नहीं होगा। अरे भाई तो सर सॉल्यूशन बोलना चाहिए इसे, तो सॉल्यूशन बोलना चाहिए, बहुत बढ़िया। तो बात ये है ना बेटा, इसके पार्टिकल के साइज ट्रू पार्टिकल के कंपैरिजन में ज्यादा होते हैं। ठीक है, हम ट्रू सॉल्यूशन मानते हैं। यदि मैंने बोला यहाँ पे कि पानी के अंदर सॉल्ट डाल दिया, अरे बोलो सर, वाटर के अंदर हम सॉल्ट डालते हैं तो बताइए विस्कोसिटी चेंज होती है क्या? नो सर, विस्कोसिटी चेंज नहीं होती। बट यदि वाटर के अंदर मैंने स्टार्च डाल दी, पहली बार तो दिखेगा भी सर। ठीक है, और साथ में क्या होगा, विस्कोसिटी तो बहुत बड़ा देगा, तो एटलीस्ट ये ट्रू सॉल्यूशन कैटेगरी में नहीं आएगा। सो ओपेक भी तो होगा ना, डिपेंड होता है। हां तो बोलो ना, कुछ प्रॉपर्टी सेम है ना, तभी तो मैंने कोलाइडल सॉल्यूशन में रखा उनको। तो वो तो सॉल्यूशन में रख सकते थे क्या? सॉल्यूशन से भी सारी प्रॉपर्टीज सेम है फिर तो। तो सॉल्यूशन का एक्सेप्शन, सॉल्यूशन का देखिए सस्पेंशन में पार्टिकल इतने ज्यादा बड़े होते हैं कि वो क्या होता है नेकेड आई से दिखते हैं, तो ये वाला क्या होगा सस्पेंशन में नहीं दिखता। तो बस एक ही ऑप्शन बचा अपने पास में, क्या? कोलाइडल सॉल्यूशन। तो कोलाइडल सॉल्यूशन है बट नॉट ट्रू कोलाइड। तो सॉल्यूशन का एक्सेप्शन भी हो सकता है क्या? सॉल्यूशन का एक्सेप्शन, हाँ। तो कोलाइडल सॉल्यूशन कैटेगरी में ये आएंगे, लेकिन ये रहेगा इनकी प्रॉपर्टी में कहीं ना कहीं डिफरेंस रहेगा आपका। तो प्रॉपर्टी मेनली क्या होंगे, दो जगह दिक्कत करेंगी, कहाँ? जिसके ऊपर एक्चुअल में चार्ज ही नहीं है, और चार्ज के होने के कारण ही स्टेबल होता है। इन दैट केस इसकी स्टेबिलिटी के बारे में बात नहीं करेंगे, अपने आप से स्टेबल है बाय अनदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इसको नए कैटेगरी बना क्यों नहीं डाल देते? बोलो ना यार, तुम है ना, कैटेगरी तो वही है आपकी सर। ये विस्कोसिटी की कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं? क्या बेटा? विस्कोसिटी मतलब कैसे बता रहे हो कि बढ़ जाएगा काम हो जाएगा? यदि मैंने बोला कोई सॉलिड सब्सटेंस इजीली डिसॉल्व हो रहा है, सॉलिड सब्सटेंस से ऐसे बात करते हैं कि हम पानी में फ्लोर डिसॉल्व कर सकते हैं क्या? पानी में, वाटर में फ्लोर डिसॉल्व हो सकता है क्या? फ्लोर मतलब कौन सा बोल रहे हो आप? फ्लोर तो फ्लोर ही होता है बेटा, आटा। हाँ हाँ भाई, हो सकता है, पता नहीं मुझे। हाँ भैया, लड़कियों, रिया, चॉक पाउडर भी पानी के साथ इतना ज्यादा, तो चॉक पाउडर भी है। हाँ, चॉक पाउडर को डिसॉल्व कर सकते हैं हम लोग, है ना, वाटर में, बिल्कुल पॉसिबल। चॉक पाउडर होता क्या है बेसिकली? हां फालतू की बात कर रहे हो, सिलिकेट लाइम होगा ना चॉक पाउडर, सॉरी चॉक सॉल्यूशन। Yes, sir. तो पाउडर मतलब क्या है? इट इज कैल्शियम कार्बोनेट, वाटर में डिसॉल्व करोगे क्या बनाओगे? सिलिकेट लाइम। स्प्रिंगली सॉल्यूबल बोलो तो नीचे पता ही तुम लोगों को। चलो तो अपन लोगों ने पहला क्लासिफिकेशन क्या पढ़ा भैया? पहला क्लासिफिकेशन पढ़ा अपन लोगों ने ऑन द बेसिस ऑफ क्या होगा, इंटरेक्शन बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो दो कैटेगरी आई, तो लायोफिलिक आया, दूसरा लायोफोबिक आया। दूसरा आया आपका क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल ऑफ डिस्पर्स फेज। तो डिस्पर्स फेज मतलब क्या है, सॉल्यूट के पार्टिकल के बेस पर भी आप लोगों ने यहाँ पर अलग अलग टाइप से कोलाइडल सॉल्यूशन को डिवाइड किया। तो यहाँ पर देखिए बच्चे आप लोग कौन कौन सी चीजें होती हैं। सबसे पहले बात करें बच्चे आप लोग मल्टी मॉलिकुलर कोलाइड, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बात करते हैं लोग, साइज की रेंज क्या है, बोलो पार्टिकल की साइज की रेंज, एक से लेके 1000 नैनोमीटर, 10 से लेके नैनोमीटर बोल रहा हूँ, ये नहीं सुना, सॉरी। ठीक है, 1 से लेके क्या होगा 1000 नैनोमीटर तक होगा आपका। अब यार बात करें बच्चे आप लोग, ऐसा मान लें आप लोग कि आपका पार्टिकल बहुत छोटा है। अब पार्टिकल बहुत छोटा है, तो यदि पार्टिकल छोटा है तो उसको हम क्या करेंगे, एग्रीगेट करेंगे। बोलो हाँ ना, एग्रीगेट करेंगे, एग्रीगेट करके इतना बड़ा पार्टिकल बना देंगे। दैट मस्ट बी लाइन रेंज ऑफ क्या होगा आपको, 1 से लेके 1000 नैनोमीटर। तो उस पर्टिकुलर पार्टिकल का नाम क्या होगा, दैट इज
मल्टी मॉलिक्यूल से फॉर्म हुआ है, नाम क्या होगा, मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड। और बोलो सही है क्या? हाँ सर। नेक्स्ट मैंने बोला है यहां पे कि देखते बोलो क्या लिखा, व्हेन स्मॉल मॉलिक्यूल एग्रीगेट टुगेदर टू फॉर्म अ कोलाइडल रेंज देन द पार्टिकल थस फॉर्म इज कॉल्ड मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड एंड दे हैव यूजली लायोफोबिक इन नेचर। एग्जाम्पल दिया गोल्ड सॉल्ट, गोल्ड के पार्टिकल बहुत छोटे छोटे होंगे, उनको एग्रीगेट करके हम उस रेंज में लेके आए, सल्फर सॉल्ट होगा आपका। अब क्वेश्चन रेज ये हुआ कि हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी, याद हो तो क्या होता भाई कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करती है? हाँ जी सानी का बेटा, सॉल्यूशन जो होता है वो मिक्सचर ही होता है ना, एक मिक्सचर बनेगा सर, बोलो क्या होता है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है ऐसी प्रॉपर्टी। और यदि नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ जाएंगे तो क्या होगा, कोलाइडर प्रॉपर्टी बढ़ेगी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होगी बढ़ जाएगी, तो मोलर मास क्या होगा कम हो जाएगा, मतलब मोलर। और यदि मैंने बोला मोलर मास किसका, सॉलिड का, और यदि मैंने बोला कि यहां पर एसोसिएशन ऑफ पार्टिकल हो गया, एसोसिएशन ऑफ पार्टिकल हो गया, मेन नंबर ऑफ पार्टिकल टू फॉर्म क्या होगा, एक पॉलीमरिक फॉर्म आइदर ड्राइमर ट्राइमर, और फिर मैंने बोला कोलाइडल सॉल्यूशन, इन दैट केस क्या होगा कोलाइडर प्रॉपर्टी क्या होगी, घट जाएगी, बोलो हाँ है ना? हाँ सर। और कोलाइडर प्रॉपर्टी घट जाएंगी इन दैट केस क्या होगा, मोलर मास बढ़ जाएगा। तो अभी फिलहाल में हम जो कोलाइडर सॉल्यूशन बनाए हैं, पार्टिकल इतने छोटे छोटे पार्टिकल थे कि वो ट्रू पार्टिकल थे, उनको एग्रीगेट किया, उसको रेंज बढ़ा के हमने कहां पे कर दी, कोलाइडल पार्टिकल के बराबर कर दी। तो बोलो कोलिगेटर प्रॉपर्टी बढ़ेगी कि घट जाएगी, बोलिए नंबर ऑफ पार्टिकल्स घट गए तो घटनी चाहिए, कोलाइडल प्रॉपर्टी घट जाएगी एंड मोलर मास क्या होगा आपका बढ़ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करें बच्चे आप लोग मैक्रोमोलिक्यूल, क्या मतलब होता है इसका मैक्रोमोलिक्यूल का, कि मैक्रोमोलिक्यूल एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है, बहुत बड़ा मॉलिक्यूल तो हमारे अकॉर्डिंग प्रीवियस चैप्टर था पॉलीमर, एक बहुत बड़ा पॉलीमर है, उस पॉलीमर के अपन ने छोटे छोटे बारीक बारीक पोर्शन कर दी और हर एक पार्टिकल का साइज अपन ने मेंटेन किया कितना, 1 से लेके 1000 नैनोमीटर की रेंज में। तो अब राइट नाउ जो कोलाइडल सॉल्यूशन बना है वो किससे बना है, फ्रॉम अ मैक्रोमोलिक्यूल, तो इसका नाम क्या होगा, इट इज मैक्रो मॉलिक्यूलर कोलाइड, बोलो है ना? तो देखिए बच्चे अपन लोग यहाँ पे डिफरेंट काइंड ऑफ क्या होगा, आपका इंक वगैरह हो गई आपकी है ना, ये फिर बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पे स्लेक लाइम वगैरह हो गया, ऐसे बहुत सारी चीजें जो क्या होते हैं नेचुरली मिलती है, उनको हम लोग क्या करते हैं ब्रेक डाउन करते और हमारी रेंज तक लेके आते, उनको क्या होगा आपका कोलाइडल सॉल्यूशन बोलेंगे। लिखा है दे आर बिग मॉलिक्यूल लाइक पॉलीमर विच ऑन dissolution forms a particle of collide ring, such substances are called macromolecular collide and they are usually lyophobic lyophilic in nature। तो बात करें बच्चे आप लोग यहाँ पे क्या हम यहाँ पर colligative property को discuss कर सकते हैं, बढ़ जाएगी colligative property को discuss कर सकते हैं, बढ़ जाएगी। कॉलिगेट प्रॉपर्टी ओनली डिस्कस इन केस ऑफ ट्रू सॉल्यूशन, जहां पे पार्टिकल क्या होते हैं इनविजिबल होते हैं। अरे बोलो यहाँ पे बड़े बड़े पार्टिकल हैं कि तोड़ तोड़ के हमने छोटा बनाया कोलाइडल रेंज में, तो बताइए क्या यहाँ पर कॉलिगेट प्रॉपर्टी डिस्कस हो भी सकती है? हाँ है ना? नो सर, नहीं कर सकते है ना, क्योंकि पहले ये ट्रू सॉल्यूशन नहीं थे। नेक्स्ट लिखा आपका स्टार्च हो गया, सेलुलोज हो गया, प्रोटीन हो गया, जितने भी आपके बड़े बड़े नाम आते हैं ना, एंजाइम हो गया, उसके बाद में नाइलोन हो गया, जिलेटिन हो गया, पॉलीथीन हो गया, प्लास्टिक हो गया, सभी टाइप के पॉलीमर। नेक्स्ट बात करें बच्चे आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज एसोसिएट कोलॉइड और मिशेल। तो बात करें बच्चे आप लोग सोप एंड डिटर्जेंट, तो यू मस्ट बी नो अबाउट इट, सोप क्या होता है? अरे बोलो क्या होता है सोप, ये डिटर्जेंट क्या होता है, दे मस्ट बी सॉल्ट ऑफ क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, हायर फैटी एसिड, बोलो है ना? हाँ सर। भी आप लोगों ने नाम सुना होगा, एक अच्छी बात बता रहा हूँ, पहले समझो उसके बाद फिर उसको रीड करेंगे। हाँ भैया कौन बोला, अथर्व सिंह ने बोला क्या, मैक्रोमोलिक्यूल में आते हैं क्या? हाँ भैया बिल्कुल, अरे ये
आयुष चौधरी बेटा एक काम करा करे, कुछ भी कमेंट करा करे ना, छोटे मोटी चीजें पब्लिकली करे करा, कोई ना कोई और भी आंसर कर सकता है। भाई साहब पूछ रहे हैं कि सारे मैक्रो मॉलिक्यूल पॉलीमर में आएंगे क्या? पर सारे पॉलीमर मैक्रो मॉलिक्यूल में आएंगे क्या? बोलो भैया आएंगे नहीं आएंगे? आएंगे सर। यस सर। यस। डेफिनेशन पहले पेज पे लिखा सर। वही। वही। लास्ट चैप्टर। अथर भाई कौन सा अथर पे? सर ने बोलो अपना। आज से बोर्ड की क्लास नहीं है बेटा, है ना, 21st से। यार बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पे कि लिखा है C17H35COONA दैट इज कॉल्ड सोडियम स्टीयरेट। क्या बोलेंगे भैया अपन लोग? कुछ चीजें आपको अपडेट कर देता हूं, मे भी आपको पता होंगी तो बता देना। आपको लिखा है C17H35COO के तो मैंने बोला यहाँ पे कि सोडियम सॉल्ट ऑफ क्या होगा आपका स्टीरेट आयन, एंड पोटेशियम सॉल्ट ऑफ क्या होगा स्टीरेट आयन, दैट इज पोटेशियम स्टेट, दैट इज सोडियम स्टेट। पहली बात तो अपन लोग दो टाइप के साबुन के बारे में बात कर रहे हैं, एक तो होता है नहाने वाला और दूसरा होता है कपड़े धोने वाला। अरे बोलो, तो जहां पर पोटेशियम लगता है दैट मस्ट बी कॉल्ड सॉफ्ट सोप, और जहां पर सोडियम लगता है दैट मस्ट बी नोन एज व्हाट हार्ड सोप। तो यहां पर जो हार्ड सोप होगी ये हमें से किस पर्पस में काम में आएगी बोलो? कपड़ों को धोने के लिए। अरे बोलो हाँ है ना? यस सर। और मैंने बोला सॉफ्ट सोप किस में आएगी आपकी? नहाने के लिए, टॉयलेट पर्पस। यस सर। अब यार बात करें बच्चे बोलो ना क्या होगा जब एक मैंने यहां पर लिख दिया आर, या फिर आर को यहां पर मैंने बोला कि एक बड़ी सी चेन दैट शुड कंटेन COONA, क्या होगा यदि इसको वाटर में डिसॉल्व करूंगा? बोलिए क्या होगा जब इसको वाटर में डिसॉल्व करूंगा? बोल रहे हो तुम लोग? नहीं बोल रहे हो, सो रहे हो? लैदर बन जाएगा। ये तो नहीं है, लेदर बन जाएगा। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं सोप बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बोल रहा हूँ इट इज अ सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, पानी में डिसॉल्व करूंगा। सॉल्ट क्या होता है वाटर के अंदर? एसोसिएट आयनाइज। हाँ भाई आयनाइज ना, तो यहाँ पर मैंने बोल दिया कि आयनाइज होगा, इन दैट केस क्या होगा, कुछ इस टाइप से आयन देगा, कुछ इस टाइप से आयन देगा, साइज ऑफ द रिंग मेंटेन नहीं करते क्या दिया है वो बाद में देखेंगे। तो इस टाइप से क्या होगा आयंस। अब बात करें बच्चे अपन लोग क्या ये 100% आयनाइज होगा कि पार्शियली आयनाइज होगा? बोलो क्या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है क्या वीक इलेक्ट्रोलाइट है कि टॉस करना है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। हां वो ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वाटर में डिसॉल्व किया है तो क्या होगा दैट मस्ट बी आयनाइज। हां सर। अब यदि बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पर कि आपका एक फैब्रिक है डेट मस्ट कंटेन क्या होगा, एक बहुत सारा डस्टी मटेरियल वगैरह, बहुत सारी चीजें लगी उसमें, स्टेन वगैरह है, तो आप यदि कभी कपड़े धोते हुए, कभी कपड़े आपने भी धोए हो तो क्या करते हो भैया? सोप से यदि धोना आपको, जो भी आपका रिन वगैरह यूज करते हैं अपन लोग क्या करते हैं, स्लैब लिया और यहाँ पर ऐसा चिपका दिया, उसका उठा लिया, हाँ हो गया साफ, ऐसे करते हो क्या? नो सर। नहीं सर। क्या करते हो? मलते हैं अच्छे से, ऐसे थोड़ा अच्छे से घिसते हैं, बोलो आए ना बार बार, ये बार बार घिसने का फंडा क्या है? हम चाहते हैं फैब्रिक पर मोर अमाउंट ऑफ सोप पहुंच जाए, बोलो आए ना। क्या हो रहा भैया? शेयरिंग शेयरिंग चल रही है ना, एक सेकंड गलती से हो गया था उससे खत्म कर दे। तो मैंने बोला कि अल्टीमेटली क्या होता है बेटा कि यहां पर यदि मैंने बोला कि लीस्ट अमाउंट ऑफ सोप लेंगे दैट मस्ट बी एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा आपका दैट मस्ट बी जस्ट आयनाइज। लेकिन यदि बात करें बच्चे आप लोग बाकी कपड़ों को धोना है, इन दैट केस क्या होगा कि हमें लार्ज अमाउंट ऑफ क्या होना चाहिए, सॉल्ट की रिक्वायरमेंट होगी, मतलब ऐसा लार्ज कंसंट्रेशन चाहिए। अब लार्ज कंसंट्रेशन से मतलब क्या है आपका
तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए बच्चे, अपन लोग यहाँ पर इस चेन के बारे में बात करें। ये जो चेन है दैट मस्ट कंटेन क्या होगा आपका, टू पार्ट। एक तो क्या होगा आपका दैट इज कॉल्ड क्या होगा आपका फ्रंट पार्ट, और दैट मस्ट भी क्या होगा आपका टेल पार्ट। ये क्या होगा आपका दैट इज चार्ज पार्ट, मतलब क्या होगा लायोफिलिक या फिर बात करें आप लोग हाइड्रोफिलिक होगा, बोलो है ना, वाटर के साथ इंटरेक्ट कर सकता है। हाँ सर। और ये क्या है आपका हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट, वो हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं आपके वाटर से दूर भागते हैं, दैट इज हाइड्रोफोबिक। अरे बोलो हाय ना। हाँ सर। अब क्या होगा जब मैंने बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ यहाँ पर आयंस आ जाएंगे, तो ये सारे आयंस क्या होंगे, ये सारे टेल जो रहेंगे वो क्या होंगे आपके पानी से दूर भागने की कोशिश करेंगे, और ये सारे पार्टिकल क्या होंगे वाटर से इंटरेक्ट करेंगे, और पूरा का पूरा सब्सटेंस क्या है आपके वाटर के अंदर ही है। इन दैट केस यहाँ पर क्या होगा कुछ इस टाइप से, कुछ इस टाइप से दैट इज COO माइनस है ना, COO माइनस, कुछ इस टाइप से क्या होगा फॉर्मेशन ऑफ क्या करेंगे स्फीयर कर लेंगे, बोलो है ना। एंड दैट स्फीयर इज नोन एज व्हाट, सभी पर क्या है नेगेटिव चार्ज दैट इज COO माइनस। यहाँ पर मैंने बोल दिया कि स्फीयर बना लिया इसमें क्या होगा हाइड्रोफोबिक वाला पार्ट होगा वो क्या होगा आपका उस स्फीयर का सेंटर की साइड होगा आपका, और जो हाइड्रोफिलिक वाला पार्ट होगा जो वाटर से अट्रैक्शन करेगा वो क्या होगा आपका ये आउटसाइड द स्फीयर होगा। तो इस पर्टिकुलर सब्सटेंस को बोलते हैं, इस पर्टिकुलर चीज को बोलते हैं अपन लोग दैट इज नोन एज व्हाट मिशेल, या फिर बोलेंगे अपन लोग एसोसिएट बोला। तो मैंने बोला यहाँ पे कि जब एक सॉल्ट लिया था मैंने दैट इज सोडियम स्टीरेट या फिर कोई अनदर पार्ट, तो वो बेसिकली क्या था एक नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव कर रहा है, और वाटर में यदि किसी इलेक्ट्रोलाइट को हम डिसॉल्व करते हैं दैट मस्ट फॉर्म व्हाट एक ट्रू सॉल्यूशन। अरे बोलो है ना क्या बनेगा ट्रू सॉल्यूशन। अब इस सॉल्यूशन को अपन लोग किस कैटेगरी में लेके आना है, कोलाइडल स्टेट में लाना है। इन दैट केस क्या करना पड़ेगा कि पार्टिकल की साइज इस रेंज में लेके आए अपन लोग कि क्या हो जाए कोलाइडल रेंज की जो भी कंडीशन है उसको सेटिस्फाइड करे। इन दैट केस यहाँ पर बहुत सारे मॉलिक्यूल को एग्रीगेट करना होगा, बोलो है ना। ठीक है यस सर। तो बात करें बच्चे अपन लोग बहुत सारे मॉलिक्यूल कुछ इस टाइप से अरेंज होगा वाटर के अंदर, इन दैट केस क्या होगा आपका एक स्फेरिकल सब्सटेंस बना लिया, बना लिया उन्होंने। अब इसको बोलेंगे अपन लोग बहुत सारे मॉलिक्यूल एसोसिएट हुए, तो इसके दो नाम होंगे, आइदर बोलूंगा एसोसिएट कोलाइड या फिर बोलूंगा मिशेल। तो बेसिकली बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पर कि जो भी फैब्रिक होगा उसकी क्लीजिंग प्रॉपर्टी होती है जस्ट बिकॉज ऑफ क्या होगा फॉर्मेशन ऑफ मिशेल। मिशेल करता क्या है, तो यदि मैंने बोला यहाँ पे वॉशिंग प्रॉपर्टी ऑफ सोप देखना आपको, तो मैंने बोला कि बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ सोप ले लिया आप लोगों ने, इन दैट केस क्या होगा कोई भी आपका स्टेन है या फिर बात करें इम्प्योरिटी है डस्ट वगैरह ये जो भी रहेगा आपका मिशेल अपने सेंटर पर रख लेगा। अब सेंटर पे क्या होगा ले जाएगा और चारों साइड से क्या होगा सोप के मॉलिक्यूल इस टाइप से एग्रीगेट हो गए, और ये वाला पार्ट जो है डायरेक्टली क्या है आपके वाटर के कॉन्टेक्ट में। अब सबसे आखिरी में अपन लोग वाटर को क्या करते हैं वाटर से सब सब वाटर से अपन लोग क्या करते हैं जो भी फैब्रिक है उसमें डालेंगे, तो जो भी आपका सोप वगैरह रहेगा कहाँ रहेगा वाटर के अंदर रहेगा और फैब्रिक आपका क्या होगा बाहर रहेगा। अरे बोलो। तो जो भी क्लीन होगा ऑयल डर्ट होगा इससे क्या होगा आपका क्लीन हो जाएगा। तो बेसिकली क्या होगा बेटा कि ये पूरा का पूरा मैटर जो रहेगा वाटर के साथ में फ्लो में क्या होगा बह जाएगा, और साथ में क्या ले जाएगा जो भी इम्प्योरिटी थी डस्ट थी स्टेन था, इन दैट केस क्या होगा फैब्रिक बिकम्स क्या होगा आपका क्लीन हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा बोलो है ना। चलो एक काम करते लौट के आते हैं कि मैंने बोला कि इन ऑर्डिनरी कंसंट्रेशन सोप मस्ट बी एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हम जानते हैं मतलब क्या होगा ट्रू पार्टिकल होगा, बट एट अ कंसंट्रेशन एक ऐसा कंसंट्रेशन मतलब जब बार बार इसको घुसेंगे तो एक ऐसा कंसंट्रेशन आएगा इसमें क्या होगा कि सोप के बहुत सारे मॉलिक्यूल एग्रीगेट हो जाएंगे और क्या बना लेंगे आइदर मिशेल बना लेंगे या फिर एसोसिएट कोलाइड होंगे। इस कंसंट्रेशन को बोलते हैं अपन लोग CMC, क्या बोलेंगे भैया क्रिटिकल मिसेलाइजेशन कंसंट्रेशन, इस पर बेस क्वेश्चन आता है। और एक टेंपरेचर होता है बिलो दिस ये फॉर्मेशन होता है, इन दैट केस क्या होगा दैट इज नोन एज व्हाट क्राफ्ट टेंपरेचर, और यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ क्या होगा आपका मिशेल होगा, और मिशेल के फॉर्मेशन के साथ ही क्या होता है आपका क्लीजिंग एक्शन ऑफ क्या होता है आपका डिटर्जेंट चलता है। तो मार्केट में देखिए बच्चे अपन लोग अलग अलग प्रॉपर्टी के बेस पे अलग अलग टाइप के क्या होते हैं आपके
सोप होते हैं, और सोप में भी देखिए बच्चे अपन लोग फॉर्मूला के बेस को एज वेल एज यूजर्स क्या होते हैं अलग अलग जगह पर यूज कर सकते हैं अपन लोग। तो यहां पर मैं बात कर रहा हूं मिशेल के बारे में। लिखा आपका यहाँ पे These are the substance, और एक बात बोलूं बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, है ना, बोर्ड में ये 99% क्वेश्चन पूछा जाएगा सब्जेक्टिव में सेकंड सेम में। देर आर सब्सटेंस विच एट लो कंसेंट्रेशन बिहेव्स एज अ नॉर्मल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बट एट हाई कंसेंट्रेशन बिहेव्स एज अ कोलाइडल पार्टिकल। कोलाइडल पार्टिकल क्यों होंगे बोलो, क्योंकि इनका क्या होगा एग्रीगेशन हो जाएगा। Due to the formation of aggregated particle, these aggregated particle are called Michel or associate colloid. आगे लिखा है आपका Michel particle contain both lyophilic and lyophobic group. Lyophilic कौन होता बोलो? Ionized part. Lyophobic कौन सा होगा आपका? Hydrocarbon वाला part. तो लिखा है the formation of Michel take place above अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, एक टेम्परेचर के कंपैरिजन में, सॉरी इस टेम्परेचर से ऊपर होगा आपका, दैट इज कॉल्ड क्या होगा आपका क्राफ्ट टेम्परेचर, एंड अबव अ पर्टिकुलर कंसंट्रेशन दैट इज नोन एज व्हाट सीएमसी क्रिटिकल मिशेलाइजेशन कंसंट्रेशन। तो ये दोनों कंडीशन आपको सेटिस्फाई करना है, और हर एक सोप के लिए अलग अलग होगा आपका। व्हेन सोडियम स्टीरेट इट डिसॉल्व इन वाटर इट गिव्स टू टाइप्स ऑफ आयन, दो आयन दे दिए जो मैंने आपको जस्ट बताया आपका, स्टीरेट आयन एसोसिएट टू फॉर्म आयनिक मिशेल ऑफ कोलाइडल रेंज, एंड इन दिस हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट जो रहेगा आपका हाइड्रोफोबिक होता है आपका, जबकि कार्बोक्सिलेट वाला पार्ट जो होगा हाइड्रोफिलिक नेचर का होगा। व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज बिलो देन सीएमसी मतलब 10^-3 मोल पर लीटर से कम होगा इट बिहेव्स एज अ नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट बट अबव दिस कंसंट्रेशन इट बिहेव्स एज अ मिशेल। नेक्स्ट मैंने बोला यहाँ पे इन अ सॉल्यूशन RCO minus aggregate to form a spherical shape in which hydrocarbon chain is pointed towards the center of the sphere and CO minus ion are out the sphere and this sphere is called Michel. The cleansing action of soap is due to the Michel formation because oily and greasy dirt is absorbed into the interior, that is center of the sphere, and interior of the Michel and can be detached from the fabric. Other example of Michel, मतलब basically other example of sorry क्या दिए हैं? Other example of क्या है आपके? Soap दिए हैं कौन-कौन से होते हैं? तो लिखा है sodium palmitate। अब आपको ये नाम याद करना पड़ेंगे formula के base पे, ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि ये same portion आपका दोबारा एक बार और repeat होगा everyday life में, ठीक है? यदि आप यहाँ पर कर लें तो वहाँ पर आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो basically क्या होगा यहाँ पे कि यदि बात करें बच्चे आप लोग washing action of soap जो है आपका washing action of soap है कि basically कौन सा वाला पार्ट कर रहा है, ये negative वाला पार्ट कर रहा है कि positive पार वाला कर रहा है? Negative washing action कौन कर रहा है आपका, negative की positive? Negative part। तो most of the soap actual में क्या होता है, soap जो होती है वो अलग अलग type की होती है, cationic soap होती है, anionic soap होती है, neutral soap होती है, और भी बहुत सारे variant होते हैं। तो ये फिलहाल में एक ऐसी category है, that is known as what, anionic soap बोलेंगे। यदि मैंने बोला कि हमारा कोई पार्ट ऐसा आ जाए इस पर क्या है कैटाइन है तो उसको बोलेंगे अपन लोग कैटाइनिक सोप। तो कैटाइनिक सोप में बस एक या दो एग्जांपल होंगे मैक्सिमम से मैक्सिमम, मोस्ट ऑफ द एग्जांपल जहां पर क्या होंगे सॉल्ट होंगे आपके कार्बोक्सिलिक एसिड के, तो सभी एग्जांपल में क्या होगा आपका एनायनिक सोप होगा। तो बताइए ये वाला जो सोप होगा सोडियम पाल्मिटेट, इसमें देखिए अपन लोग कौन सा होगा एनायनिक और कैटाइनिक? एनायनिक, ठीक है। और फॉर्मूला आप लोग आराम से बना सकते हो, एक हाइड्रोकार्बन देखिए अपन लोग, हाइड्रोकार्बन यदि 17 कार्बन का होगा तो क्या होगा हाइड्रोकार्बन? अल्किन C17H36 से एक एच हटा दिया, दैट बिकम्स अल्काइल पार्ट, उसमें लगा दिया अपन CO1 है, मतलब जेन्युइन है, कोई दिक्कत तो नहीं। तो अपन क्या याद रखना है 17 वाले कार्बन का जो भी सॉल्ट होता है उसको बोलते हैं अपन लोग सोडियम स्टीरेट। अब 15 कार्बन वाला अल्काइल ग्रुप क्या होगा C15H32 से एक एच हटा दो क्या बन जाएगा पाल्मिटिक एसिड या पाल्मिक एसिड बोलेंगे बोलो, उसका सोडियम सॉल्ट होगा आपका। नेक्स्ट मैंने बोला सोडियम लॉरल सल्फेट, तो यहां पर देखिए बच्चे अपन लोग टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने होते हैं, इट इज 12। तो इसका देख लो भैया अल्काइल पार्ट क्या होगा
C12H26 होगा, एक एच हटा दिया, ये बन जाएगा आपका C25 होगा आपका, और यहाँ पर क्या होगा आपका सल्फोनिक ग्रुप लगा होता है, नाम होता है सोडियम लॉरल सल्फेट, सल्फेट दिए इन डेट केस कोई दिक्कत नहीं है, या फिर बोलेंगे सोडियम डोडेकाइल सल्फेट, मतलब 12 कार्बन वाला, सोडियम कोको सल्फेट नाम से भी ये जाना जाता है, ये फॉर्मूला होगा। इन लो कंसेंट्रेशन इट इज फाउंड इन टूथपेस्ट, शैम्पू, शेविंग क्रीम, बबल बाथ, बट इन हायर कंसेंट्रेशन इट इज यूज टू रिमूव ऑयल स्टेन एंड रेसिड्यू। नेक्स्ट देखिए बच्चे अपन लोग, एकमात्र एग्जाम्पल जो कैटाइनिक वाला होगा आपका, दैट इज CTAB, सेटाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड। सेटाइल मतलब क्या होता है आपका 16 कार्बन वाला अल्काइल पार्ट, दैट इज हेक्साडेकाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड। अब बात करें बच्चे अपन लोग, C16 दिया है, H33 दिया हुआ है, तो कॉमन सी बात है कि इसमें से आयनाइज करेंगे तो कौन जाएगा आपका, Br- हट जाएगा, बोलिए। अमोनियम दिया इन दैट केस वैलेंसी कितना होना चाहिए, 4 है, तो ऑब्वियसली 4 है आपका, एक साइड क्या पूरा हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट, दूसरी साइड क्या हो गए आपके 2 मिथाइल वाले पार्ट हो गए आपके, और नाइट्रोजन की 3 वैलेंसी हो गई आपकी, और साथ में क्या लगा दिया, सॉरी 4 वैलेंसी हो गई, और साथ में न्यूट्रलाइजेशन के लिए क्या लगा दिया अपन ने, Br- लगा दिया। तो यहाँ पर जब Br हट जाएगा तो पूरा जितना भी आपका पार्टिकल बनेगा डेट शुड कंटेन पॉजिटिव चार्ज ना, ठीक है। तो एग्जांपल याद रखना, कई बार पूछ सकते हैं, पूछा गया हुआ है क्या कि इट इज एग्जांपल ऑफ कैटाइनिक शुक, इट इज एन इफेक्टिव एंटीसेप्टिक एजेंट अगेंस्ट बैक्टीरिया, फंजाई एंड इन हेयर कंडीशनर, वॉशिंग ऑफ इंजन, कार वॉश, सोप, फ्लोर क्लीनर एक्सेट्रा। तो यहाँ पर ये यूज होगा। तो बताओ भैया समझ में आया क्या आप लोगों को, हाँ जी। क्लोराइड सॉल्यूशन को अपन लोगों ने कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ क्या हो गया आपका नेचर ऑफ पार्टिकल, 3 तरीके से डिसाइड किया, कौन कौन से थे पहले, मल्टी मॉलिक्यूलर, बोलो हाँ है ना, मल्टी मॉलिक्यूलर में क्या किया था आप लोगों ने, अरे बहुत सारे मॉलिक्यूल एग्रीगेट कर दिया था, यस सर, छोटे छोटे मॉलिक्यूल को एग्रीगेट कर देता तो क्या बना देता हमने, कोलाइडल रेंज में ले आए थे अपन लोग। ऑब्वियसली बात है कि वहां पर जब हम प्रिपरेशन करेंगे तो वहां पर सुटेबल स्टेबलाइजर का भी यूज करेंगे अपन लोग, लेकिन फिलहाल के लिए अपन लोग बस वहां पे एक बात की थी अपन ने कि ऐसा करने पर कोलाइडल सॉल्यूशन में कॉलिगेटेड प्रॉपर्टी जो आई वो क्या होगी, बढ़ेगी कि घट जाएगी, बोलो, नंबर ऑफ पार्टिकल पहले से क्या होगी, कम हो जाएंगे। ये तो हमेशा सिंगल ही केस होगा ना कि जब ट्रू पार्टिकल ट्रू सॉल्यूशन में क्या होता है कॉलिगेटेड प्रॉपर्टी डिस्कस होती है, तो कोलाइडल सॉल्यूशन में देखिए बच्चे अपन लोग हमेशा ट्रू पार्टिकल क्या होंगे, एग्रीगेट होके ही आएंगे, मतलब कॉलिगेटेड प्रॉपर्टी हमेशा क्या होगी आपकी, कमी होती आएगी, बोलो है ना। दूसरा केस क्या पढ़ा था अपन लोगों ने, मैक्रो मॉलिक्यूलर कोलाइड, ये कब एप्लीकेबल होगा, मैक्रो बोलो बड़े पार्टिकल्स, छोटे छोटे बड़े पार्टिकल्स को अपन लोगों ने ब्रेक डाउन कर दिया। अब ब्रेक डाउन करेंगे बच्चे अपन लोग, तो ब्रेक डाउन कैसे करेंगे अपन, यदि कोई बड़ा सा स्टोन है आपका, बड़ी सी लंप है, उसको ब्रेक डाउन करने के लिए क्या हो, टूल्स यूज करेंगे, उसको पाउडर के फॉर्म में लेके आना, और एक ऐसा पाउडर जिसकी रेंज क्या होना चाहिए आपकी, 10 से लेकर 1000 अंगस्ट्रॉम तक की होना चाहिए, मतलब डेट मस्ट बी यूज क्या होगा आपको, पाउडर में लाने के लिए अपन वहां पर मिल यूज करेंगे। तो प्रिपरेशन में देखिए बच्चे अपन लोग यहाँ पे ब्रेक डाउन करेंगे, मिल वगैरह यूज करेंगे, वहां पे अपन लोग सॉल्यूशन सॉरी सॉल्वेंट भी साथ में दे देंगे, तो ये क्या होगा एक अलग प्रोसेस होगी प्रिपरेशन की। तो साथ में देखिए अपन लोग कौन सा सॉल्व बनेगा आपका, दैट मस्ट बी मैक्रो मॉलिक्यूलर, और तीसरा इट इज जस्ट लाइक क्या होगा आपका माइक्रो मॉलिक्यूलर, सॉरी क्या होगा आपका मल्टी मॉलिक्यूलर ही होगा आपका, लेकिन ये अलग कैटेगरी, इसमें क्या है कि नॉर्मल कंसेंट्रेशन पे क्या होता है आपका, ये नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट की तरह नॉर्मल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करेगा, बट एक ऐसा कंसंट्रेशन जिसपे क्या होता है जिसके ऊपर ये क्या करता है कोलाइडल के ऊपर कोलाइडल की तरह बिहेव करेगा, एक ऐसे टेम्परेचर के ऊपर क्या होता है कोलाइडल रेंज के ऊपर बिहेव करेगा, इन दैट केस इसको बोलेंगे अपन लोग क्या, क्राफ्ट टेम्परेचर या फिर क्रिटिकल मिसलाइजेशन कंसंट्रेशन, बोलो है ना, ठीक है। और मैंने फिर यहाँ पे अलग अलग एग्जाम्पल दिया। अब नेक्स्ट आता है आपका प्रिपरेशन ऑफ लायोफिलिक कोलाइड, तो प्रिपरेशन ऑफ लायोफिलिक कोलाइड में देखिए बच्चे अपन लोग बस प्रिपरेशन करेंगे, देयर आफ्टर अपन लोग रोक देंगे इस चैप्टर को।
लिखा बच्चे आप लोग प्रिपरेशन में लायोफिलिक कोलाइड जो हो गए आपके वो तो अपने आप से खुद ही बनना चाहते हैं। क्या करना है अपन को, या तो पानी ले लो या फिर थोड़ा हो दो थोड़ा सा बॉइल वाटर ले लो, बोलो हाँ ना। तो लिखा है आपका कोलाइड सॉल्यूशन ऑफ लायोफिलिक कोलाइड लाइक जेलेटिन गम स्टार्च एग एल्यूमिन एक्सेट्रा कैन बी रेडिली प्रिपेयर बाय डिजोल्विंग देम इनटू वाटर आइदर इन कोल्ड कंडीशन और इन हॉट कंडीशन, बोलो हाँ ना। ठीक है, अरे बोलो यार आगे बढ़े। तो बेसिकली कोलाइड कौन से हैं आपके, डेट इज लायोफोबिक, जिसको हम बनाएंगे जो कि अनस्टेबल होंगे, जिनमें स्टेबलाइजर लगे, जिनमें ब्राउनियन मोशन होगा वगैरह वगैरह। तो बात करें टू टाइप्स ऑफ मेथड आर यूज, एक तो होता है डिस्पर्सन और दूसरा होता है कंडेंसेशन। तो कंडेंसेशन का मतलब तो जानते हैं क्या होता है, एडिशन होता है, अरे बोलो। और डिस्पर्सन मतलब क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है। तो ब्रेक डाउन कैसे करेंगे, जो बड़े बड़े पार्टिकल्स होंगे, बोलो हाँ ना। तो लिखा है डिस्पर्सन मतलब बाय स्प्लिटिंग अ लार्ज पार्टिकल इनटू कोलाइडल लेंथ एंड दिस कैन बी डन बाय फोर वे। तो पहली तो बात ये करें बच्चे अपन लोग यहाँ पर मैक्रो मॉलिक्यूलर जो रहेंगे कोलाइड उसके लिए यूज कर सकते हैं अपन लोग डिस्पर्सन मेथड, बोलो हाँ ना। तो पहला दिया आपको इसमें फर्स्ट दिया आपको मैकेनिकल डिस्पर्सन, ये फर्स्ट मैंने दिया मैकेनिकल डिस्पर्सन। इसमें क्या करेंगे बच्चे अपन लोग बड़े बड़े लंप अपन लोग बाहर से मतलब जो भी लेके आएंगे इसका अपन लोग कोलाइडल पार्टिकल बनाना है, उसको अपन लोग छोटे छोटे पार्टिकल में क्या कर देंगे, ब्रेक डाउन कर देंगे बाय सिंपल हैमर। देन आफ्टर अपन लोग एक मिल होती है नोन एज व्हाट, कोलाइडल मिल, इसके ऊपर हम पास करेंगे साथ में सॉल्वेंट भी डाल देंगे। तो एक साइड से क्या होगा आपका कोलाइडल सॉल्यूशन निकलता जाएगा, बस कंडीशन ये रहेगी कोलाइडल सॉल्यूशन हम बना रहे हैं इन दैट केस दैट मस्ट बी अनस्टेबल, मतलब यहाँ पर एक चीज की रिक्वायरमेंट और रहेगी क्या, स्टेबलाइजर, अरे बोलो हाँ ना। स्टेबलाइजर को हम ऐड करेंगे। तो लिखे कोलाइडल मिल कंसिस्ट ऑफ टू मेटलिक डिस्क हेल्ड एट स्मॉल डिस्टेंस रोटेट इन अपोजिट डायरेक्शन एट अ वेरी हाई स्पीड अराउंड 7000 RPM। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट मैंने बोला ये 0% इंपॉर्टेंट था, ठीक है, आपको बस नाम होना चाहिए। कोलाइडल मिल क्या करती है आपकी पार्टिकल को, बड़े बड़े पार्टिकल को कोलाइडल रेंज में लाती है। लेकिन सॉलिड मटेरियल फर्स्ट फाइनली ग्राउंडेड बाय यूजली मेथड एंड देन मिक्स्ड विद डिस्पर्सन मीडियम टू गेट अ सस्पेंशन, देन द सस्पेंशन नाउ ग्रिडिंग इन कोलाइडल मिल सो द पार्टिकल चेंजेस इनटू कोलाइडल साइज। स्टेबलाइजर आल्सो एडेड टू स्टेबलाइज द कोलाइडल सॉल्यूशन, एग्जांपल दिए हैं इसके क्या क्या, इंक दिया है, पेंट दिया है, वार्निशेस दिए हैं, डाई दिया है एक्सेट्रा, कोई दिक्कत? हाँ जी आगे बढ़े। फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट पॉइंट इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर यू, यदि आपके पास हार्ड कॉपी तो बिल्कुल आप काट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई नहीं पूछ रहा आपसे। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट है बाय इलेक्ट्रिकल डिस्पर्सन, इसको और अच्छे से नाम जानते हैं आप लोग ब्रेडिक आर्क मेथड, ये 100% इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पूरा मेथड ही। इसके बारे में देखते हैं आप लोग क्या होगा कि मैंने बोला यहाँ पे इज सिल्वर और गोल्ड और प्लेटिनम इज डिसॉल्व इनटू वाटर, बोलो क्या वाटर में डिसॉल्व हो सकते हैं, आया ना? नो सर, वाटर में डिसॉल्व नहीं हो सकते। अब हम इनको डिसॉल्व नहीं कर सकते तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हमने वाटर ले लिया, अब वाटर है जो इट इज अ नॉट कंडक्टर, या फिर बात करते हैं आप लोग इट इज द वेरी वेरी लेस कंडक्टर ऑफ क्या होगा आपका इलेक्ट्रिसिटी। तो कंडक्शन बढ़ाने के लिए आप लोगों ने कर दिया अल्कली यूज कर लिया, अल्कली में आइदर KOH और NaOH कुछ भी यूज कर लिया आप लोग। तो वाटर के साथ में आप लोगों ने क्या कर लिया, अल्कली यूज कर लिया, और इस पूरे के पूरे सिस्टम में हम लोगों ने क्या कर दिया, जिस भी पर्टिकुलर मेटल का हम लोगों को कोलाइडल सॉल्यूशन बनाना, फॉर एग्जांपल मैंने बोला गोल्ड ले लिया या प्लैटिनम ले लिया या सिल्वर ले लिया, उसके इलेक्ट्रोड को अपन लोगों ने बहुत पास पास में रख दिया, बोलो हाँ ना। अब पास पास में रख दूंगा मैं तो क्या होगा कि जब मैं इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज पास करूंगा तो बेसिकली क्या होगा कि वहां पर आयंस है ही आपके पास में, और मेटल एक दूसरे के साथ में क्या होंगे, इनके मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होते हैं नोबल मेटल्स के, यदि याद होगा। ठीक है, तो लो मेल्टिंग पॉइंट होने के कारण क्या होगा,
जो मेटल रहेगी वो क्या होगी, बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर अचानक से मिलने के कारण सीधा क्या होगा, वेपर के फॉर्म में आ जाएंगे। अरे बोलो मेटल क्या होगी, वेपराइज होने लगी। अब मेटल वेपराइज होगी तो पूरे पूरे जो भी इक्विपमेंट है उसको अपन ने कहां रख दिया, आइस बाथ में रख दिया, चारों साइड क्या है आपका आइस है, टू मेंटेन वेरी वेरी लो टेम्परेचर। इन दैट केस क्या होगा, जो भी आपकी वेपर रहेंगी वो तुरंत से कंडेंस होगी और उसी वॉटर के अंदर एड ऑन हो जाएंगी। तो उसी वाटर में एड ऑन होंगी तो क्या होगा आपका कि बेसिकली जो भी आपकी रेंज होगी पार्टिकल की वो क्या होगी, कोलाइडल रेंज होगी। साथ में हम लोगों ने कर दिया ऐड वहां पर KOH या फिर बात करें NaOH ऐड किया, दैट इज जस्ट यूज फॉर द क्या होगा स्टेबिलिटी पर्पस। तो उनके ऊपर क्या होगा आपका नेगेटिव चार्ज आएगा ड्यू टू द एडजॉर्प्शन ऑफ क्या होगा OH- आयन फ्रॉम KOH। इन दैट केस क्या होगा कि नेगेटिव सॉल्व बनेंगे, इसका रीजन मैं और प्रॉपर तरीके से और आगे दूंगा। तो फिलहाल में यहाँ पर आप लोगों को समझ में आएगा किस किस के लिए एप्लीकेबल होगा, तो जो नोबल मेटल होती है चार ही मेटल के लिए एप्लीकेबल होता है, किसी और के लिए नहीं। कौन कौन सी, गोल्ड सिल्वर प्लैटिनम एज वेल एज कॉपर ऑल्सो। देखा इन दिस टू मेटल इलेक्ट्रोड आर इमर्ज इन वॉटर, द हीट जनरेटेड बाय आर वेपराइज द मेटल विच कंडेंस इमीडिएटली इन टू वॉटर टू गिव अ कोलाइडल सॉल्यूशन, अ स्मॉल अमाउंट ऑफ KOH ऑल्सो बी एडेड which stabilize the colloidal solution. In this method, organic solvent avoided. Organic solvent क्यों avoided होंगे? बोलो। यदि benzene वगैरह मैंने डाल दिया, water वगैरह की जगह पर क्या होगा? वो तो खुद ही जल जाएगा। बोलो हाँ है ना? आगे बढ़े। Yes sir. नेक्स्ट दिया बच्चे अपनों को बाय अल्ट्रासोनिक डिस्पर्सन। अल्ट्रासोनिक डिस्पर्सन ये फालतू का पॉइंट है वैसे ना, तो मैंने बोला कि बाय अल्ट्रासोनिक वेव के थ्रू अपन लोग कुछ कोलाइडल सॉल्यूशन बनाते हैं, यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ ऑयल हो गया, मरकरी हो गया, सल्फर हो गया, सल्फाइड एंड ऑक्साइड्स ऑफ मेटल हो गए। तो ये फालतू का पॉइंट है, इसमें बहुत ज्यादा कुछ खास नहीं है। देन आफ्टर फिर से अगेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आया जो कि आता है परीक्षा में, क्या है भैया, पेप्टाइजेशन। तो बात करें बच्चे अब लोग पेप्टाइजेशन से, पहले मैं कुछ और बातें बता दूं कि जब भी हम कोलाइडल सॉल्यूशन बनाते हैं, जब भी हम कोलाइडल सॉल्यूशन बनाते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, उसके ऊपर चार्ज होना। मैंने बोला लिखा है FeCl3, FeCl3 को यदि मैंने वाटर में डाला क्या बनाएगा, FeOH का होल थ्राइस। अरे बोलो है ना, FeOH का होल थ्राइस। तो आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, इज इट वाटर सोल्युबल और इनसोल्युबल, पेरिक हाइड्रोक्साइड वाटर में सोल्युबल होगा कि इनसोल्युबल होगा, इनसोल्युबल इनसोल्युबल इनसोल्युबल। तो गिनती अकेले अल्कली मेटल और थोड़े बहुत अल्कलाइन अर्थ मेटल के सब्सटेंस हैं जो क्या होते हैं वाटर में सोल्युबल होते हैं, अदरवाइज बाकी सारे इनसोल्युबल ही होते हैं, ठीक है ना। तो मैंने बोला कि आयरन हाइड्रोक्साइड या फेरिक हाइड्रोक्साइड क्या होगा, वाटर में इनसोल्युबल होगा, तो डेट मस्ट भी क्या होगा आपको, प्रेसिपिटेट। अरे बोलो हाँ है ना। अब मैं चाहता हूं ये फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट ऑफ आयरन क्या है आपका, या फेरिक हाइड्रोक्साइड है, इसको मैं कोलाइडल सोल्यूशन बना लू। तो यहां पर क्या होगा, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी क्या हो रहा है आपका, ये सेटल डाउन हो गया आपका। तो मैं यहां पर देखिए मेरे पास में दो आयन है, आइदर मैं इसमें क्या लगा दूं, कोई भी कैटायन, या फिर क्या लगा दूं, कोई भी एनायन। इन दैट केस क्या होगा, ये कोलाइडल रेंज में आ सकता है, बोलो है ना, रेंज कोलाइडल है आपका, लेकिन क्या है इनके ऊपर चार्ज नहीं है। तो मैंने एक काम किया, फॉर एग्जाम्पल इसके ऊपर एडिशन ऑफ क्या कर दिया, Fe3+ आयन कर दिया, मतलब इसके साथ में मैंने और ये ऐड कर दिया। तो यहाँ पर क्या हो गया कि साथ में एसोसिएट हो गए Fe3+ आयन। अब Fe3+ आयन ईच फेरिक हाइड्रोक्साइड मॉलिक्यूल के साथ में होगा, इन दैट केस होल आयन बिकम्स क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज। बोलिए, मतलब राइट नाउ क्या होगा, इसके ऊपर मैंने चार्ज इंड्यूस कर दिया, तो ये क्या होगा आपका, दैट बिकम्स क्या होगा, कोलाइडल सॉल्व बन जाएगा। क्लियर है? और दूसरा तरीका एक और हो सकता है, यदि मैं यहां पर Fe एक OH और ऐड कर दूं, दैट बिकम्स FeOH का होल फोर, इस पर आ गया नेगेटिव चार्ज, इस पर भी किसी भी तरीके से चार्ज ले आया,
मतलब क्या होगा, इट बिकम्स नेगेटिव चार्ज कोलाइड, तो ये दोनों क्या हो गए, कोलाइड बन गए। अब बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पे कि प्रेसिपिटेट को, प्रेसिपिटेट को यदि कोलाइड सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर दो तो क्या बोलते हैं अपन लोग, प्रेसिपिटेट को यदि कोलाइड सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर दो तो क्या बोलेंगे अपन लोग, पेप्टाइजेशन। और कोलाइडल सॉल्यूशन को यदि प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट कर दो उसको बोलेंगे अपन लोग क्या, दैट इज कोएगुलेशन। ये फिर बात करेंगे क्लॉटिंग, ये फिर बात करेंगे अपन लोग प्रेसिपिटेशन। तो मैंने बोला है यहाँ पर कि इस Fe3 को यदि हटा देंगे, इसको हटा देंगे तो क्या होगा, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी क्या होंगे, सारे पार्टिकल एक दूसरे से एसोसिएट होके सेटल हो जाएंगे, तो इसको क्या बोलेंगे अपन लोग, प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन, या फिर बोलेंगे अपन लोग प्रेसिपिटेशन। और कोलाइडल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन इन दैट केस क्या होगा, इट इज पेप्टाइजेशन। समझा क्या? यस सर, यस। तो बेसिकली प्रेसिपिटेशन, ये पेप्टाइजेशन एंड कोएगुलेशन जस्ट अपोजिट फिनोमेना होंगी। प्रेसिपिटेशन मतलब क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, और पेप्टाइजेशन मतलब क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन फ्रॉम प्रेसिपिटेट। अरे बोलो है ना? यस सर। चलो देखते हैं क्या है। तो यहाँ पर लिखा है आपका द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट इनटू अ कोलाइडल सॉल्यूशन बाय द एडिशन ऑफ सुटेबल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज कॉल्ड पेप्टाइजेशन। याद करना भैया, यहाँ पे हर जगह अपन लोग क्या कर रहे हैं, प्रेसिपिटेट को अपन लोग क्या बना रहे हैं, अपन लोग कोलाइडल सॉल्यूशन रख रहे हैं, मतलब यहाँ पर कहीं ना कहीं अपन लोग चार्ज को इंड्यूस कर रहे हैं। ऐसा ना हो कभी ज्यादा चार्ज इंड्यूस हो जाए, ज्यादा चार्ज यूज कर दिया इन दैट केस क्या होगा, वहां पर भी न्यूट्रलाइजेशन होगा, मतलब वो डिस्टेबलाइज करने लगेगा। इसके लिए अपन लोग एक और चीज बात पढ़ेंगे। लिखा है द इलेक्ट्रोलाइट यूज फॉर दिस पर्पज इज कॉल्ड पेप्टाइजिंग एजेंट और स्टेबलाइजिंग एजेंट, लाइक शुगर हो गया, गम हो गया, जेलेटिन हो गया, इलेक्ट्रोलाइट हो गए। तो शुगर, गम, जेलेटिन, ये तीन एग्जाम्पल आपने मे भी आपने सुने होंगे। कौन कौन से थे आपके, डेट मस्ट बी लायोफिलिक। तो लायोफिलिक सॉल्ट जो होते हैं वो क्या होते हैं, एक अच्छे स्टेबलाइजर, मतलब लायोफोबिक जब बनाते हैं अपन लोग तो लायोफिलिक को अपन लोग एज ए स्टेबलाइजिंग एजेंट यूज करते हैं। नेक्स्ट लिखा आपका फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट ऑफ फेरिक हाइड्रोक्साइड कैन बी कन्वर्ट इनटू कोलाइडल स्टेट बाय सेकिंग इट विद वाटर और विद FeCl3। तो यहाँ पर देखिए बच्चे अपन लोग क्या दिया है कि यदि FeCl3 के ऊपर यदि एब्जॉर्ब किया तो यहाँ पर क्या होगा, प्रेफरेंशियली Fe3+ आयन क्या होंगे, हर एक पार्टिकल के ऊपर एब्जॉर्ब हो जाएंगे। इन दैट केस क्या होगा कि राइट नाउ कोलाइडल पार्टिकल पे क्या आ गया, चार्ज इंड्यूस हो गया, मतलब ये क्या होगा अब ब्राउनिंग मोशन कर सकता है। बोलिए। यस सर। नेक्स्ट लिखा आपका Fe3+ आयन आर एब्जॉर्ब बाय पार्टिकल ऑफ प्रेसिपिटेट। तो ऐसी बात है कि FeOH का होल थ्राइज इसको एब्जॉर्ब कर लेता है, इन दैट केस क्या होगा, दैट बिकम अ चार्ज। अ स्टेबल सॉल्ट ऑफ स्टेनिक ऑक्साइड दैट इज SNO2 ऑब्टेन बाय एडिशन ऑफ डाइल्यूट HCl टू स्टेनिक ऑक्साइड प्रेसिपिटेट। यहां पे अलग-अलग एग्जांपल दिए। कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ AgCl इज ऑब्टेन बाय द एडिशन ऑफ डाइल्यूट HCl। तो बात करें बच्चे अपन लोग AgCl इज अ प्रेसिपिटेट, बोलो है ना, व्हाइट पीपीटी होता है। यस सर। यदि उसमें HCl डाल देंगे तो इन दोनों में कॉमन आयन कौन सा है आपका, Cl-, तो Cl- आयन क्या होगा, उससे जुड़ जाएगा AgCl, ब्रैकेट के बाहर Cl-, अरे बोलो है ना। अ सस्पेंशन ऑफ निकल सल्फाइड व्हेन शेकन विद H2S, इन दोनों में कौन सा कॉमन आयन होगा, सल्फाइड, गिव कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ निकल सल्फाइड CdS सॉल्यूशन कैडमियम सल्फाइड बाय द एडिशन ऑफ क्या होगा आपका, हाइड्रोजन सल्फाइड, मतलब सल्फाइड आयन क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा। जेलेटिन स्टेबलाइज द कोलाइडल स्टेट ऑफ आइसक्रीम। पता है क्या, यदि आइसक्रीम में यदि जेलेटिन नहीं हुआ तो आइसक्रीम कभी क्या होगी, उस स्टेट में आ नहीं सकती। पता है क्या, ये आइसक्रीम घर वाली आइसक्रीम नहीं बोल रहा हूँ, मार्केट वाली आइसक्रीम बोल रहा हूँ। हाँ, वही बोल रहा हूँ। ठीक है, घर पे तो बना लेते बोलो। नेक्स्ट बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पे कंडेंसेशन मेथड। तो बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पर अपन लोग कौन कौन से मेथड पढ़े, चार मेथड पढ़े, डिस्पर्जन मेथड में अपन लोगों ने चार मेथड पढ़े, पहले तो मैकेनिकल डिस्पर्सन, दूसरा अपन लोगों ने ब्रेडिक आर्क मेथड, इसमें अपन लोग चार मेटल लिए थे जो कि अच्छी मेटल थी, गोल्ड मेटल, सॉरी कौन कौन से, नोबल मेटल, इट इज प्लेटिनम, गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर। उसके बाद में अल्ट्रासोनिक डिस्पर्सन, ये भी फालतू का ही था आपका। और नेक्स्ट मैंने बोल दिया यहाँ पे पेप्टाइजेशन जो कि इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट है कंडेंसेशन मेथड। तो कंडेंसेशन मेथड में देखिए बच्चे अपन लोग यहाँ पर कि अलग अलग चीजें हैं आपकी। तो कंडेंस करना मतलब बेसिकली क्या है, छोटे छोटे पार्टिकल को बड़े पार्टिकल में कन्वर्ट करना, बोलो है ना।
छोटे छोटे पार्टिकल को बड़े पार्टिकल में एसोसिएट करना, तो लिखे हैं बाय एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट। तो बोलो अपन यदि बात करें कल पढ़े इसको चलेगा? यस सर। हाँ जी क्वेश्चंस करते हैं।